आदरणीय पूजनीय बंती जी, मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपीत करके आज के धम्म देशने के लिए प्रारंभ कीजिए। साधु 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 साध 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 सभी उपासक सभी उपस्थित उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत मंगल कामना, उनका सुखी जीवन हो, इस प्रकार से मंगल मैत्री है। तो आज का जो विषय है, जिस तरीके से विषय को शुरू करने के पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध, उनके स्वाख्यात धम्म और उनका अतुलनीय संघ, ऐसे तीन अत्रों को वंदन करते हुए, अपने सारे गुरु आचार्य को नमन करते हुए आज की देशना शुरू करता हूँ। सोतापति अंग आज का यह विषय है ना। तो सोतापति यह बहुत महत्वपूर्ण अवस्था रहती है बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार, क्योंकि सोतापति यह पहली अवस्था है आर्य पुरुष की। इस प्रकार बौद्ध विनय में या बुद्ध शिक्षाओं में दो प्रकार के पुरुष बताए जाते हैं, एक आर्य और एक अनार्य। आर्य यह जो शब्द है यह कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ठीक है। आर्य जो भगवान ने कि अभी भी या भगवान के पहले या अभी भी आर्य शब्द इस्तेमाल होता है तो किसी जाति विशेष के लिए होता है, यूरेशियन ब्राह्मिन्स या फिर इस प्रकार से जो आर्कोलॉजिकल या फिर जो उसमें जाते हैं, पर भगवान ने आर्य शब्द उस अर्थ में इस्तेमाल नहीं किया, किसी जाति के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आर्य शब्द का साहित्यिक रूप से, शाब्दिक रूप से एक सरल अर्थ है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग। तो बौद्ध साहित्य में आर्य किसे कहा जाता है, बौद्ध संस्कृति में आर्य किसे कहा जाता है? बौद्ध संस्कृति में आठ तरह के पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है, अट्टपुरी सपुग्गला, और ये आठ तरह के पुरुष ही भगवान बुद्ध का संघ माना जाता है, श्रावक संघ, जिसे हम आर्य संघ भी कहते हैं। तो आर्य मतलब तो श्रेष्ठ होता है, पर कौन सा श्रेष्ठ? जिसके पास धन हो उसे श्रेष्ठ कहना चाहिए क्या? जिसके पास बहुत बड़े बड़े घर हो, बहुत सारे घर हो, उसे श्रेष्ठ कहना चाहिए कि क्या वो श्रेष्ठ कहने योग्य है? जिसके पास बड़ा पद है समाज में, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा नाम है, क्या उसे बौद्ध संस्कृति में श्रेष्ठ कहते हैं? या उच्च कुल से, उच्च गोत्र से, उच्च जाति में उसका जन्म हुआ है तो क्या इससे हम उसे श्रेष्ठ कहते हैं, क्या उसे श्रेष्ठ कहना चाहिए? या उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां है इसलिए उसे श्रेष्ठ कहना चाहिए? क्या बौद्ध साहित्य में इन लोगों को श्रेष्ठ कहा जाता है? बौद्ध साहित्य में आठ तरह के लोगों को ही श्रेष्ठ माना जाता है, उन लोगों के लिए आर्य शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो आठ तरह के लोग कौन से है? वो है सोतापति, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत, ये चार व्यक्ति हो गए। तो जिस किसी ने सोतापति अवस्था प्राप्त किया है उस व्यक्ति को कहते हैं सोतापति फलश्रुत, या सोतापति फल प्राप्त, या जिसने सोतापति अवस्था प्राप्त कर लिया। पर जिसने सोतापति अवस्था फल प्राप्त नहीं किया, पर सोतापति अवस्था प्राप्त करने वाला है, उस मार्ग पे है, वो मार्ग उसने प्राप्त कर लिया है, तो सोतापति मार्गारूढ़, सोतापति मार्ग प्राप्त, ऐसा कहते हैं। तो ये दो तरह के व्यक्ति हुए सोतापति में भी, एक सोतापति फल प्राप्त, सोतापति फल प्राप्त नहीं है तो सोतापति मार्गारूढ़, जो मार्ग पर आरूढ़ है। दूसरा सकृदागामी, सकृदागामी में भी दो है, सकृदागामी फल प्राप्त, सकृदागामी मार्गारूढ़। फिर उसके ऊपर है अनागामी, अनागामी में भी दो प्रकार है, अनागामी फल प्राप्त, अनागामी मार्गारूढ़। और फिर सबसे आखिरी आखिरी अवस्था जो मुक्ति की अवस्था है, इसके लिए पूरी बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे थे, वो है अरहंत अवस्था। अरहंत में भी दो है, अरहंत मार्ग प्राप्त और अरहंत फल प्राप्त। तो इस प्रकार से हर एक के दो दो प्रकार है, इस कुल मिला के आठ हो जाते हैं। आठ तरह के व्यक्तियों को बौद्ध संस्कृति में श्रेष्ठ कहा जाता है। अब इन्हें श्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है, ऐसे क्या क्या बातें हैं इनको जो श्रेष्ठ कहा जा रहा है? तो बौद्ध संस्कृति में जो भी शब्द किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं या किसी भी व्यक्ति को पूजा पूजा जाता है या उसका आदर सम्मान किया जाता है तो गुणों के आधार पर ही किया जाता है। उसका कोई भी पदवी उसे दी जाती है तो गुणवाचक ही होती है,
कभी भी व्यक्तिवाचक या व्यक्ति विशेष या व्यक्ति पूजन बौद्ध संस्कृति में ना होते हुए, जिस प्रकार से अगर हम खुद बुद्ध को देखते हैं, हम बुद्ध की पूजा करते हैं, ये बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं या बुद्ध का आदर गौरव करते हैं, तो उसमें भी हम बुद्ध का करते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं करते। जिस प्रकार सिद्धार्थ हम सिद्धार्थ का नहीं करते, याद रखिए वो सिद्धार्थ जो 28 साल की उम्र था जिसने गृह त्याग करने का था, या 28 साल की उम्र के बाद तक के बाद जिन्होंने 6 साल तपस्या की, वो सिद्धार्थ और जो गृह त्याग करने का था वो सिद्धार्थ, ये दोनों सिद्धार्थ हमारे लिए उतने पूजनीय उतने आदरणीय नहीं है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई रहता है, किसी का जीवन कोई रहता है, तो वह है जब उनको जिस वैशाख रात को, वैशाखी रात को जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से जो उनका जीवन शुरू होता है, तब से जो बुद्ध होते, तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, वो जीवन हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए होता है। और अगर हम देखते भी है उनके उसके बाद का जीवन, या भिक्खु संघ में अगर देखते भी है, तो भिक्खु संघ में भी कभी भी भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन सिद्धार्थ होते हुए की बात नहीं की कि वो कैसे थे क्या थे। हमेशा बुद्ध होते हुए या इस शिक्षा में हम आते हुए प्रवेश करते हुए निर्वाण और निर्वाण निर्वाणमुख कैसे हो सकते, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो 8 तरह के लोग हैं, या खुद बुद्ध देखिए, बुद्ध में भी हम सिद्धार्थ गौतम शरण गच्छामि नहीं कहते, बुद्ध ही कहते, बुद्ध में भी हम गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं कहते, है ना, बुद्धम में भी हम गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं कह रहे, हम बुद्धं शरणं गच्छामि कह रहे, क्योंकि बुद्ध एक गुण है, किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली ना होते हुए, अतीत काल में भी बहुत बुद्ध हुए, वर्तमान में भी बहुत बुद्ध है, अलग अलग चक्र वालों में हो सकते हैं, पर भविष्य काल में भी बुद्ध होंगे। तो जिसके संकल्प होंगे, सम्यक संकल्प होंगे, संकल्प पूरा करने में सामर्थ्य होगा, महाकरुणा होंगी, पारमिता पूरे करता होगा, तो बुद्ध होगा। तो इस प्रकार से हम किसी एक व्यक्ति को नमन ना करते हुए, किसी एक व्यक्ति का आदर, किसी व्यक्ति पुरुष को व्यक्ति श्रेष्ठ को ना मानते हुए, हम गुण श्रेष्ठ को मानते हुए गुणों के आदर करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जिनको आर्य बोला गया है, वो आर्य किसी व्यक्ति को ना बोलते हुए ऐसे गुणों को आर्य बोला गया है। तो ये जो कोई स्वतापत्ति होता है, या जो कोई चक्रदागामी होता है, या जो कोई अनागामी होता है, या जो कोई अरंत होता है, वो उसमें ऐसे गुण होते हैं, वो गुणों के कारण वो आर्य माना जाता है। जैसे दुर्गुणों को कुछ दूर कर देता है, उसके कारण वो आर्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि किसी साधारण पुरुष में या किसी साधारण व्यक्ति से दूर करना सरल बात नहीं होती। तो इसलिए वो हम उनको आर्य कहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। तो इसी में जो सबसे पहली अवस्था है, जो शुरुआत की अवस्था, जिसे कुछ कुछ लोग निर्वाण की सबसे पहली डुबकी भी मानते हैं, श्रोतापत्ति अवस्था को निर्वाण की सबसे पहली डुबकी मानी जाती है, सबसे पहला चरण। तो श्रोतापत्ति क्या होता है, श्रोतापत्ति स्रोत मतलब जो धर्म के स्रोत में गिर गया है। अब वो स्रोत इसलिए बोला गया है कि जिस प्रकार पानी का एक स्रोत होता है, पानी का एक प्रवाह होता है, और वो स्रोत में गिरने के बाद इंसान बहता ही बहता जाता है, जहां जहां स्रोत लेके जाता है वहां वहां हो जाता है, उसी प्रकार श्रोतापन्न। तो श्रोतापन्न मतलब यहाँ पर धर्म के स्रोत में गिर रहा है। ये धर्म का स्रोत क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो उसका भावित हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है, और क्योंकि ये चक्र आर्य अष्टांगिक मार्ग उसका घूम जाता है, तो ये चक्र घूमते घूमते कहाँ जाएगा, निर्वाण की ओर जाएगा, ये स्रोत उसे कहाँ लेके जाएगा, अरहंत पथ की ओर लेके जाएगा। इसलिए इसे स्रोत कहा जाता है, स्रोत मतलब प्रवाह, पर कौन सा प्रवाह, आर्य अष्टांगिक मार्ग का, धर्म के प्रवाह में वो गिर जाता है। तो बौद्ध साहित्य में ऐसा कहा जाता है कि जो कोई श्रोतापति होता है, उसकी 7 जन्मों के अंदर मुक्ति निश्चित है, 8वां जन्म बिल्कुल नहीं होगा उसका, वो 7 जन्मों के अंदर मुक्त होगा ही होगा, भगवान ऐसा कहते हैं। 8वां जन्म इसका उसका होना ही नहीं है। किसके बारे में कहते हैं भगवान बुद्ध, जो कोई श्रोतापति अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। श्रोतापाती अवस्था व्यक्ति के प्राप्त किए हुए व्यक्ति के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उसके अपाय के सारे रास्ते हट गए, उसके अपाय के सारे रास्ते मिट गए, अब वो भूल के भी गलती से भी अपाय में नहीं जाएगा। अपाय पता है ना कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के अपाय होते हैं, पशु योनि जिसे हम तिरच्छन योनि के नाम से भी जानते हैं, प्रेत योनि जिसके बारे में हमने पिछले पहले वाले लेक्चर में सुना है, उसके बाद असुर योनि, और उसके बाद निरय। पशुओं में पता है हमें कितने सारे पशु, कितने तरह तरह के पशु होते हैं, प्रेत में भी हमने 4 तरह के प्रेत पढ़े हैं,
असुर में भी कई तरह के असुर होते हैं और निरय में भी 126 प्रकार के नरक बताए गए, 126 प्रकार के, 128 प्रकार के, 136 प्रकार के, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, ऐसे इतने नरक। तो ये जो अपाय में जाना है, ये जो दुर्गति में जाना है, उसके रास्ते बंद हो जाते, इसका दरवाजा ही बंद हो जाता जो सुतपा के भूल के भी नहीं जाएगा। सोचिए कितना सुंदर बात हो जाती कि भूल के भी वो दुर्गति में नहीं जाएगा, उसकी दुर्गति होगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो पूरी शराब भी पी ले, शराब पीने पर भी उस नशे में ऐसा एक गलत काम भी नहीं करेगा जिसके कारण उसे क्या जाना पड़े, नरक में जाना पड़े, ये सोतापत्ति अवस्था का लाभ होता है। सोतापत्ति अवस्था के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने एक बार अपने नाखून में से रेत उठाई थी। रेत उठाने के बाद भिक्षुओं को पूछा, भिक्षुओं मेरे नाखून में जो रेत है वो ज्यादा है या इस पूरे पृथ्वी स्थल पे जो रेत है वो ज्यादा है? अब सरल सी बात है, भगवान के नाखून में जो रेत है वो इस पृथ्वी स्थल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, गिन भी नहीं सकते, इतनी कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि जिस किसी ने सोतापत्ति अवस्था प्राप्त कर लिया है, ये पृथ्वी पे जितनी रेत है उतने उसके दुख नष्ट हो गए हैं, अब बस मेरे नाखून जितनी रेत बची है इतनी दुख बचे है, सिर्फ इतने दुख बच जाते हैं सोतापत्ति अवस्था के। और इतने दुख नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कम से कम 7 जन्म लगते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे 7 जन्म ही ले, कोई कोई अगले जन्म में भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कोई कोई 4 जन्म भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पर 8वां जन्म नहीं होगा। सोतापत्ति अवस्था का यह निश्चित है कि उसका 8वां जन्म बिल्कुल भी नहीं होगा, वो 7 जन्मों के अंदर ही मुक्त होगा। तो सोतापत्ति फल के बारे में कहा जाता है। तो कोई कैसे क्या सोतापति होता है, अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है। और क्या हम जान सकते हैं कि कोई सोतापति हुआ है तो हम क्या उसे जान सकते हैं? तो यहाँ पे यह बात ध्यान देने योग्य है कि कोई साधारण व्यक्ति इतने आसानी से नहीं जान सकता है कि कोई सोतापति हुआ है, कोई सकृदागामी हुआ है, कोई अनागामी हुआ है या कोई अरहंत हुआ है। साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता, उसके जानने के लिए उसके ज्ञान के बाहर का है। अर्थात कि आप 10वीं का पढ़ाई कर रहे हो और आप ग्रेजुएशन का मैथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी बात हो जाती है। क्योंकि उस सोतापति सकृदागामी अनागामी मतलब वो लोकोत्तर अवस्था के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी लोकोत्तर अवस्था के दायरे में है, वो आप लोगों के दायरे में नहीं है, आप लोग रेडार में नहीं है जो आप उसको सिग्नल पकड़ पाओगे। तो एक साधारण व्यक्ति सोतापत्ति अवस्था को पहचान नहीं सकता, पर कोई सोतापत्ति अवस्था फल प्राप्त है तो वो सोतापत्ति व्यक्ति दूसरे सोतापत्ति व्यक्ति को पहचान सकता है कि हाँ ये सोतापत्ति अवस्था को प्राप्त है। या सोतापत्ति के ऊपर वाला व्यक्ति चकुर्दागामी अनागामी और अरंत व्यक्ति, ये ऊपर के 3 व्यक्ति नीचे के इस व्यक्ति सोतापत्ति व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि हाँ इसको सोतापत्ति अवस्था प्राप्त है। पर सोतापत्ति व्यक्ति अपने से ऊपर वाले अवस्था वाले प्राप्त, जैसे कि सकृदागामी अनागामी अरहंत, इनको नहीं पहचान सकता क्योंकि सोतापत्ति के ऊपर वाले हैं, ये ऊपर के नॉलेज वाले, ऊपर के दायरे वाले, तो इसलिए नहीं, पर ऊपर वाले नीचे वाले को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार सकृदागामी व्यक्ति किसी दूसरे सकृदागामी व्यक्ति को पहचान सकता है कि हाँ इसने सकृदागामी अवस्था प्राप्त की, एक बार जान सकता है। और सकृदागामी अपने से नीचे वाले सोतापत्ति अवस्था व्यक्ति को देखते बराबर जान सकता है कि हाँ इसने सोतापत्ति अवस्था प्राप्त कर लिया है, पर सकृदागामी अपने से ऊपर वाले जैसे अनागामी और अरहंत व्यक्ति को नहीं जान सकता देखते कि भाई इसने प्राप्त किया है। हाँ, पर अनागामी व्यक्ति अपने से नीचे वाले सकृदागामी और सोतापत्ति को जान सकता है, और अपने से बराबर अनागामी वाले व्यक्ति को जान सकता है कि हाँ देखते बराबर पहचान सकता है इसने अनागामी अवस्था प्राप्त कर लिया है, पर अरहंत व्यक्ति को नहीं पहचान सकता क्योंकि उसके ऊपर वाला हो जाता है वो। हाँ, पर अरहंत व्यक्ति इन तीनों को या दूसरे अरहंत को भी जान सकता है कि ये क्या हुआ है, अरहंत हो चुका है। ठीक है, तो अपने से ऊपर वाला नहीं लेकिन अपने से नीचे वाले वो लोग जान सकते हैं। पर कभी कभार ऐसा भी दिखने के लिए आया है कि जो कोई सोतापत्ति अवस्था उसने प्राप्त किया है, कभी कभार उसको खुद को नहीं पता चला है कि उसे सोतापत्ति अवस्था प्राप्त किया, ये देखने में आया। जैसे अनाथ पिंडिका, अनाथ पिंडिका ने सोतापत्ति अवस्था प्राप्त किया था पर उसको स्वयं को नहीं पता था कि उसने सोतापत्ति अवस्था प्राप्त किया है, और उसकी बेटी को पता था जो कि उससे उम्र में छोटी थी। जब अनाथ पिंडिका की सबसे छोटी बेटी मरती है, उसके उसका उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के समय में अनाथ पिंडिका को वो कहती है भाई, उसको बहुत दुख होता है उसका अंतिम संस्कार, मतलब मृत्यु के समय में उसकी बेटी ने उसको मरते समय, उसकी बेटी मर रही है और मरते समय अपने पिता को क्या कह रही है, भाई कह रही है, और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है।
उसका अंतिम संस्कार करके वगैरह ऐसे एक बार वो विहार में जाता है और जाके उदास बैठ जाता है। तो भगवान पूछते हैं अनाथ पिंडी का क्या कारण है, किस कारण से तुम इतने दुखी हो। तब वो कहते हैं कि भगवान मेरी बेटी का देहांत हो गया, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, पर क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करता था, बुद्ध की शिक्षाओं में तो सिखाया ही जाता है सब अनित्य है। तो उसने कहा था भगवान मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी बेटी का मृत्यु हो गया, पर मुझे दुख इस बात का है कि वो अचेत अवस्था में मरी। वो क्या सचेत नहीं थी, मरते समय उसने मुझे क्या कहा, भाई कहा। क्या मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सबको? आ रही है पंती जी, जस्ट ओनली अप एंड डाउन हो रही है बस उतना ही, दूसरा कुछ नहीं। आ रही है ना। तो फिर अनाथ पिंडी का ये बोलता है कि भगवान मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है, मुझे दुख इस बात का है कि वो जागरूक अवस्था में नहीं मरी, वो सचेत अवस्था में नहीं मरी, मुझे इस बात का दुख है। सोचिए मतलब उसे दुख इस बात का हो रहा है कि सचेत क्यों, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बेटी सचेत अवस्था में जागरूक अवस्था में नहीं मरी, क्योंकि उसकी बेटी ने उसको मरते समय भाई कहा, वो ये भी नहीं पहचान पाई कि उसका 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 पिता आगे में बैठा है, उसका पिता उसको पकड़े हुए, वो ये भी नहीं जान पाई। तो इस बात का दुख था क्योंकि बौद्ध संस्कृति में या जो कोई आपको ध्यान सिखाता है वो हमेशा सचेत होकर मरना सिखाता है, क्योंकि बौद्ध संस्कृति के हिसाब से मृत्यु का क्षण तय करेंगे आप अगला जन्म कहाँ होगा, इसलिए मृत्यु के समय में जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो दुख इस बात का है कि उसकी बेटी मरना तो सकती है पर जागरूक होकर नहीं मरे, सचेत अवस्था में नहीं मरी। तब भगवान कहते हैं कि अनाथ पिंडी का दुखी मत हो, तू ही बातों को गलत समझा, तू ही है जिसने बातों को ठीक प्रकार से नहीं समझा, दरअसल तेरी बेटी ने ठीक ही कहा, बस तूने उसका अर्थ गलत समझ लिया। कैसे क्या भगवान? तो कहता है कि सुन, तू इस बुद्ध शासन में श्रोतापति अवस्था को फल श्रोतापति फल को प्राप्त है, पर तेरी बेटी उससे आगे सकृदगामी अवस्था को प्राप्त की थी, इसलिए क्योंकि धर्म में अभी तुझसे श्रेष्ठ हो गई थी, धर्म में तुझसे उच्च अवस्था प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए उसने तुझे भाई कहके संबोधित किया, जो धर्म में तुझसे श्रेष्ठ थी। तो देखो उसको खुद को नहीं पता था, अनाथ पिंडे का जो श्रोतापति अवस्था प्राप्त किया था उसे खुद को नहीं पता था कि श्रोतापति अवस्था प्राप्त किया है, पर उसकी बेटी क्योंकि उसने उससे उच्च अवस्था प्राप्त की सकुदागामी, इसलिए उसने देख ली कि मेरा पिता तो श्रोतापति अवस्था को प्राप्त है मत समय भी। तो ऐसा देखने में आया कि कई बार श्रोतापति अवस्था वाले व्यक्ति भी स्वयं नहीं जान पाते कि श्रोतापति उन्होंने फल प्राप्त किया है, और एक बार आज फ्लो देखते बराबर पहचान जाते हैं, है ना। जिस प्रकार से अपना आनंद जो कि स्वतापति अवस्था को प्राप्त था पर अरंत नहीं हुआ था, भगवान बुद्ध की मृत्यु होने पर भी वो अरंत नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा वो ध्यान करने बैठा रात को, रात भर ध्यान किया और ध्यान करने के बाद सुबह होते होते वो अरंत बन गया। फिर सुबह जब वो सभा में जाता है जहाँ पे 550 भिक्षु संघ बैठे है, वहां पे जब भंते महाकाश्यप जब उसे आते हुए देखते हैं तो भंते महाकाश्यप आनंद को देखते बराबर समझ जाते, अरे इसने अरहंत पद प्राप्त कर लिया, देखते बराबर वो लोग पहचान जाते अरहंत वगैरह। तो यह श्रोतापति, तो श्रोतापति कैसे होता है व्यक्ति? वैसा कहा जाता है कि जब तीन बातें उसके नष्ट हो जाती है तब वो क्या होता है, श्रोतापति फल प्राप्त करता है। कितनी बातें? तीन बातें। तो सबसे पहले बी चिकित्सा, क्या नष्ट करता है? वी चिकित्सा जिसकी नष्ट हो जाती है वो। दूसरा शील व्रत परामर्श, और तीसरा सत्काय दृष्टि। ये तीन प्रकार के बंधन जिसके नष्ट हो गए वो हो जाता है श्रोतापति। और कौन हुआ था? ये हुए थे सारिपुत्र महामोगल्यानी, एक ही गाथा में श्रोतापति हुए थे, मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये तीन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है बीज चिकित्सा? बीज चिकित्सा मतलब संशय, तो उसका संशय ही नष्ट हो जाता है। किस किस के ऊपर से? बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध मतलब तथागत गौतम बुद्ध, फिर उनका धम्म जो उनके द्वारा जो सुव्याख्यात धम्म है जो कि अच्छी प्रकार से हर एक शब्द व्याख्या है,
उनका उसके ऊपर से भी शंका आ जाता है और भगवान बुद्ध के संघ के ऊपर, ये तीनों के ऊपर उनके कभी कोई शंका नहीं थी, उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि इन तीनों के सहारे से, इन तीन रत्नों के सहारे से हमारी मुक्ति निश्चित है। यह इस प्रकार का उनका संकल्प पूरा निश्चित होता है कि नत्थी में शरणं गह्यं बुद्धो धम्मो संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु तेजे मंगलं। ये बात उनके अनुभव के स्तर पर समझ जाती, उनके जीवन में उनके मन में इस प्रकार से बैठ जाती कि नहीं और कोई शरण नहीं हो सकती, इसलिए तीन शरण है जिनसे मेरी मुक्ति निश्चित है। जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, वो यह बात भी निश्चित कर लेती कि जब तक जीवन, जब तक सांस है, जब तक के निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक यही मेरी शरण रहेंगे। इस प्रकार से उसका बुद्ध धम्म संघ के ऊपर से अटूट विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है। और ये श्रद्धा ना सिर्फ पूरी श्रद्धा रहती है बल्कि ये श्रद्धा आकारवती श्रद्धा रहती है, इसका आकार उसको, उस श्रद्धा को आकार मिल जाता है। बिन पेंदे की रोटी वाली श्रद्धा नहीं रहती है ये श्रद्धा आकारवती रहती है। कर्म भगवान के बुद्ध के शब्दों को समझते हुए, तो वी चिकित्सा मतलब क्या होता है, संशय हमें कभी कभार उत्पन्न होता है ना, कभी कभार जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आता है, तो मैं सरल सी बात है संशय उत्पन्न हो जाता है ना, पर उनको संशय नहीं होता उत्पन्न होता है। जैसे कि हम कभी कभार किसी अकुशल व्यक्ति को देखते हमारे मन में ऐसे विचार आता, अरे भाई ये इतना पाप कर रहा है तो भी कितना सुखी है, तो देखो उसको संशय उत्पन्न हुआ है। तो ये संशय क्या है, धर्म के विषय संशय है, नैतिकता के विषय, शील के विषय, आचरण के लिए संशय उत्पन्न हो रहा है उसे। इस प्रकार का संशय सोतापति व्यक्ति को नहीं होता, उसको पता होता है मैं सही पथ पे चल रहा हूँ, मेरा कल्याण होना ही होना है, आज नहीं तो कल, वो जानता ही है। हमारी एक उपासिका थी, उपासिका के जीवन में बहुत ही खतरनाक कठिनाई आई थी, बहुत खतरनाक तकलीफ आई थी, और उसने कितना प्यारा कहा था, मैं कहीं से भी कटूंगी बोले बनते, जितना चाहे कटूंगी, लेकिन मैं किसी और के शरण में जाऊंगी, मुझे पता है मेरी मुक्ति और मेरा कल्याण बुद्ध धर्म संघ से ही होना है, किसी और चीज से नहीं होना है। इस प्रकार से विश्वास रहता है उसे, वो उसमें धैर्य भी वैसा आ जाता है, उसमें सहनशीलता भी वैसी आ जाती है। हम तो भी किसी दुर्घटना को देखे, किसी गलत बात को देखे, हमारे में मन में धम्म के भी शंका उत्पन्न हो जाती है, या कभी कभार हम किसी किसी गलत भिक्षु को देख के संघ के प्रति हमारी शंका उत्पन्न हो जाती है, हम संघ को, संघ पे आलोचना करना शुरू कर देते हैं, हमारे मुंह से ऐसे निकल जाते हैं कि ये भिक्षु संघी वैसा है, मतलब देखो किसी एक व्यक्ति को देख के हमारे संघ के ऊपर हम लोग आलोचना कर देते हैं। तो स्वतापति व्यक्ति के ऐसा नहीं, तो स्वतापति संघ को संघ के रूप में ही देखता है और एक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखता है, वो संघ को गुणवाचक के रूप में देखता है, ऐसे इस प्रकार से देखता है कि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, ये सुपटिपन्न ही होता है भगवान का संघ, और अगर वो भिक्षु सुपटिपन्न नहीं है तो भगवान के संघ का हिस्सा नहीं हो सकता, वो भगवान की शिक्षा को ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं, वो भगवान या धम्म के प्रति ठीक प्रकार श्रद्धा नहीं रख रहा, ऐसे वो समझता है, ऐसे वो देखता है किसी भिक्षु को। अगर कोई भिक्षु अकुशल कर्म दिख रहा है तो, पर मैंने कई सारे उपासकों को देखा, उपासिका को देखा है, तुरंत भिक्षु पर आलोचना कर देते हैं और भिक्षु से भिक्षु संघ में चले जाते हैं वो। पर जो कोई जिसकी श्रद्धा, जिसकी विचिकित्सा नष्ट हो जाती है, वो तो समझता है कि धम्म तो सही है, धम्म तो ठीक ही है, संघ भी ठीक है, पर ये कुछ इक्के दुक्के होते हैं, वो इस प्रकार से जानता है कि जिस प्रकार हमारे हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, तो उस प्रकार से मैं ऐसे कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि हर कोई वैसे ही रहे। तो संघ है, संघ की महत्ता है, वो संघ की महत्ता को संघ की महत्ता में देखता है और व्यक्ति को व्यक्ति के महत्ता में देखता है, तो किसी एक भिक्षु को, किसी एक नामधारी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति को नहीं देखता है। तो ये होता, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बार ऐसे एक महिला कहती है कि अपने पति को, जाओ आप बार जो कुछ बनते, कुछ भिक्षु लाओ अच्छे भोजन के लिए, एकदम भोजन देंगे। तो जब जाता है विहार में तो कोई भिक्षु होता नहीं, वहाँ पे सामने होते हैं राहुल वगैरह, सामने होते हैं, तो सामने को लेके आता है, तो पूछते अरे तुम सामने को क्यों लेके आए, मैंने भिक्षु बोला था, वो सामने वैसे रखती, तुम बैठो बोलते पहले जाओ, तुम भिक्षु लाओ। तो सारिपुत्र आता है, सारिपुत्र देखता है, अरे लोग इनको तक खाना नहीं मिला, इनको वैसे बिठा के रखा है, तो बिना खाए निकल जाता है। तो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम सामने में भिक्षुओं में ऐसा भेद नहीं करता, या फिर ऐसा भेद नहीं करता कि यार वो शरीर है, वो महाशरीर है, उसको लेना चाहिए, या नागपुर में बड़ा ट्रेंड चलता है ज्ञान ज्योति बनते जी, विमल कृति बनते जी, है ना, ससाई बनते जी, है ना, और ऐसे मतलब अलग अलग भिक्षुओं का नागपुर में बड़ा ट्रेंड है, मैंने देखा है नागपुर में, ऐसा किसी एक भिक्षु को देखे तो पूरी लाइन ही लग जाएंगी, मतलब बाबा वाला ट्रेंड बन जाता है,
ये बाबा पावरफुल, वो बाबा पावरफुल, इस प्रकार से भेद मत कीजिए, इस प्रकार से अलग तरीके से भिक्षुओं की मत सोचिए। कभी कभार एक सामने से भी वैसा सीखने के लिए मिल सकता है, कभी कभार एक सामने भी आपके मुक्ति का कारण बन सकता है। इसलिए कभी किसी को नजरअंदाज मत करो। जब भी पता चले कि हमारे इलाके में, हमारे परिसर में कोई भिक्षु आया या कोई कोई भी आया, सामने आया है, जाइए उसको दर्शन कीजिए, जाइए उसको मिलिए, जाइए उसको कम से कम वंदन तो कीजिए। कभी किसी का पता चले कि इनका प्रवचन है, तो ऐसा नहीं कि मुझे बस ज्ञानज्योति बंधे जी के प्रवचन सुनने हैं, या ऐसा नहीं कि मुझे ससाई बंधे जी के प्रवचन सुनने हैं, या ऐसा नहीं कोई तवीर मास तवीर के प्रवचन सुनने हैं, या नहीं ये मेरे फेवरेट बनते हैं, मैं इन्हीं के प्रवचन सुनती और किसी के प्रवचन नहीं सुनती, ऐसा विचार नहीं करना। किसी के भी शब्द, क्योंकि बुद्ध के शब्द है ना, बुद्ध की वाणी में धम्म है ना, संघ का हिस्सा है ना, हमारा कल्याण हो सकता है, ऐसा उसकी श्रद्धा बन जाती है। इस प्रकार से उसकी विचिकित्सा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर इसके अलावा ये एक पहला भवबंधन है जो नष्ट हो जाता है। फिर इसके अलावा क्या होता है, जो दूसरा बंधन है वो भी उसका क्या होता है, नष्ट होता है। दूसरा बंधन कौन सा है, विचिकित्सा। फिर शील व्रत परामर्श, इसको समझिए बरा, ये अक्षर गलती हो जाती है। शील व्रत परामर्श मतलब क्या होता है, शील व्रत परामर्श लगता है कि बहुत कठिनता से पालन करना, मतलब जिस प्रकार व्यक्ति सोचता है कि इसी एक शील से मेरा क्या होगा, मंगल होगा, इसी एक शील से मैं एक अपना कल्याण साधूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। किसी एक चीज को ज्यादा तानता है, अति में झाप जाता है। भगवान ने पहले ही कहा, धम्म चक्र अपने बुद्ध प्राप्त होने के बाद, बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद सबसे पहला उपदेश जो धम्म चक्र पवतन सूत्र नाम से जाना जाता है, उसमें भगवान साफ कहते हैं, वे में भिक्खवे अंता, ये दो प्रकार के अंत होते हैं भिक्षु, अत्तकल्मतानुयोगो, और दूसरा कौन सा है, एकदम सुख का जीवन, सुख काम सुख लिखानुयोगो। ये दो तरह के टोक है जीवन के, ये दो तरह के जीवन है, और इन दोनों जीवन को भगवान ने टोक कहा है। दोनों जीवन को कहा है अनार्य, अनार्य मतलब आज के अभी की भाषा में अनाड़ी, ये अनाड़ियों का मार्ग है, मूर्खों का मार्ग है, गोर गवारों का मार्ग है। कौनते ये दो मार्ग, एकदम कठिन का तप करना, एकदम दिन रात अपने शरीर को तकलीफ देना, दुख देना, तपाना एकदम कठोरता से, ये भी मूर्खों का मार्ग। और दूसरा एकदम आराम का, सुख सुविधा का जीवन जीना, कोई तप नहीं करना, मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना, जीवन के अर्थ को लेके, जीवन के शीलों को लेके, जीवन की नैतिकता को लेके, जीवन की एकाग्रता समाधि कुशल चित्तता को लेके, पहिया को लेके कोई प्रयास नहीं करना, ये भगवान ने कहा है अनाड़ी का जीवन है, मूर्खों का जीवन है, अनार्य, हीनो गामो पृथक जनियो, पृथक लोगों का मार्ग है, हीन मार्ग है, ग्रामीण लोगों का मार्ग है, ऐसे इन दोनों मार्गों से दूर रहो और मध्यम मार्ग में चलो, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो कैसे ऐसा ना मान दे, बराबर मध्यम मार्ग में अपने आप को बनाए रखना। शील व्रत परामर्श का एक और अर्थ होता है कि बार बार शील लेने की जरूरत ना पड़े हमें ना, हमें आए दिन बार बार, एक साधारण पंचशील भी हमारे आए दिन टूटते रहते हैं, और टूट रहा तो फिर से लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि टूटा और आप बस फॉलो कर रहे हैं, टूटने के बाद शील फिर से ग्रहण करना पड़ता है। तो ये जो बार बार हमें शील लेना पड़ा है, ये हमारा क्या है, शील व्रत परामर्श हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कोई सोतापत्ति हो जाता है उसको बार बार शील लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके भी शील अखंड रूप से पालन होते हैं, क्योंकि उसकी शील विशुद्धि हो जाती है। तो इसलिए शील विशुद्धि और चित्त शुद्धि वो प्राप्त कर ले, उसकी शील शुद्धि हो जाती है, इसलिए भी क्या होता है कि उसके अपाय में कभी जाता नहीं, जहां शील टूटे वहां अपाय जाता है व्यक्ति, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तीसरा जो है सत्काय दृष्टि, सत्काय दृष्टि मतलब आत्म उपादान, मैं मेरा का भाव, ये भी नष्ट हो जाता है। मैं मेरा का भाव जहाँ पे वहाँ पे वस्तुओं को, व्यक्तियों को, रिश्तों को हमेशा नित्य के रूप में देखता है, शाश्वत के रूप में देखता है। हाँ भले ही वो ऊपरी रूप से कह रहा हूँ अनित्य दुखानात्मा, नित्य दुखानात्मा है, पर क्योंकि मैं मेरा भाव स्वलग नहीं, इमोशन के रूप में, अनुशयों के रूप में, डिस्पोजिशन के रूप में उसके चित्त में मौजूद है। जब भी वो किससे प्रेम कर रहा है, समझ जाओ वहाँ पे आत्मबोध आएगा ही, मैं मेरा का वो प्रेम कर रहा है, मतलब आत्मा भाव है आप, वो प्रेम कर रहा है, मतलब मैं मेरा भाव है। भगवान बुद्ध साफ साफ कहते हैं, प्रेम तो जायती शोकं, प्रेम तो जायती भयं, प्रेम तो विपमुत्त सनत्ति शोको कुत्तो भय, कि प्रेम के कारण सुख है, प्रेम के कारण भय है। तो जब जब व्यक्ति प्रेम करेगा वहां पे मैं मेरा का भाव उत्पन्न होना ही। आपको आपके पति से प्रेम है, आपके बच्चे से प्रेम है, आपको आपके घर से प्रेम है, या उसके बारे में सोच है, भगवान ने भी कहा ना, ये लोग के सात लोग के विसत्तमाना विसत्ति निवस्तमाना निवस्ति, अरे इन सात लोगों में, सात इंद्रियों में जहाँ जहाँ व्यक्ति प्रिय समझता है वहां वहां उसकी तृष्णा वास करती है,
और जहां जहां तृष्णा वास करिए वहां मैं मीरा का भाव वास करेगा ही करेगा। तो ये जो मैं मीरा का भाव है ये उसका छूट जाता है, आत्म उपादान उसका क्या हो जाता है, इस प्रकार की मिथ्या दृष्टि भी, वो नित्यता को नहीं जान पाता, वो हरेक रिश्तों के अनित्यता को देख पाता है। तो इस प्रकार से उसका आत्म उपादान भी क्या हो जाता है, सत्काय दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि वो भी नष्ट हो जाती है। तो सत्काय दृष्टि और बीच सत्काय दृष्टि और शीलोक परामर्श, ये दोनों नष्ट होने के कारण उसकी अपाय की गति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मतलब अभी दुर्गति में नहीं जाएगा। और विचिकित्सा नष्ट होने के कारण क्या हो जाता है कि अभी वो उस स्रोत में हमेशा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि श्रद्धा है, श्रद्धा प्रदान होने के कारण वो आगे ही जाएगा। तो ये मेरे तो आप पहले धम्म गुरु हो बंदे जी आपसे, तो इस प्रकार से वो आगे की आगे आगे ही आगे क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसे तीन बंधन नष्ट होने पर विचिकित्सा, शीलोक परामर्श और सत्काय दिट्ठी, सत्काय दिट्ठी और शीलोक परामर्श के कारण उसकी अपाय नष्ट हो जाते हैं और विचिकित्सा कारण वो इस प्रवाह में आगे आगे बढ़ते जाता है श्रोतापति व्यक्ति। तो ये हो जाते हैं तीन बातें। अब इसमें हम एक कथा सुनते हैं, जैसे कि सारिपुत्र। सारिपुत्र आप सभी को पता है कि ज्ञान में सबसे अग्र माने जाते हैं, भगवान बुद्ध के अगर ज्ञान में संघ में कोई अग्र होगा तो वो सारिपुत्र है। पर आपको बड़े आश्चर्य की बात होगी, जो धर्म सेनापति के रूप में जाना जाता है इस बुद्ध शासन में, सारिपुत्र, इसके बारे में भगवान बुद्ध भी ऐसे कहते हैं कि मेरे बाद मैंने जो धम्म चक्र घुमाया, अगर उसके बाद इस धम्म चक्र को अनुप्रवर्तित कोई कर सकता है तो वो सारिपुत्र है। सारिपुत्र के बारे में भगवान ने कहा है, और सारिपुत्र जो कि भगवान बुद्ध का उपस्थापक बनना चाहता था, उस सारिपुत्र को भगवान ने मना किया था कि सारिपुत्र नहीं, तुम नहीं, क्योंकि तुम जिस दिशा में जाते हो उस दिशा में मुझे फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना महाज्ञानी वो सारिपुत्र, जिसके बारे में भगवान बुद्ध ऐसी उपमा देते हैं कि कल्प भर बारिश हो तो भी सारिपुत्र बताने में सक्षम है कि कौन सी बूंद कहाँ गिरी और कितने बूंद गिरी। इतना महाप्रज्ञावान सारिपुत्र। उस सारिपुत्र को धर्म कहाँ से मिला? भगवान बुद्ध के पास धर्म नहीं मिला, वो भगवान बुद्ध से धर्म सुन के धर्म में प्रवेश नहीं किया, उसको धर्म मिला अश्वजीत के पास से। याद रखिएगा, जिसके पास से हमें धर्म मिला उसका हमेशा हमें ऋणी रहना चाहिए, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो सारिपुत्र को धर्म किसके पास से मिला? अश्वजीत के पास से। और अश्वजीत कौन है? अश्वजीत उन पंचवर्गीय भिक्षुओं में जिनको सबसे पहले भगवान ने धर्म सुनाया, उन पंचवर्गीय भिक्षुओं में जिसको सबसे आखिरी में धर्म समझा, जिसको सबसे आखिरी में चक्षु उत्पादी, ज्ञान उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोक उत्पादी, वो जिसको सबसे आखिरी में उन पंचवर्गीय भिक्षु में जिसको सबसे आखिरी में धर्म समझा, उसके पास से धर्म सेनापति को धर्म मिला। आप सोचिए धर्म कितना, मतलब देखिए धर्म गौरव देखिए, मतलब हमें महत्वपूर्ण नहीं कि आपको धर्म किस व्यक्ति के पास से मिल रहा है, उसको धर्म कितना आता है, आप में कितनी प्रज्ञा है। अगर आप में अच्छी प्रज्ञा है तो आप कहते हैं ना, छोटू से भी बहुत बड़ा अर्थ निकाल सकते हो। तो ये अश्वजीत के पास से क्या मिला? सबसे पहले धर्म सुनने के लिए मिला सारिका। वो भी कैसे कि अश्वजीत पिंडपात कर रहा था, सारिका करते करते सारिपुत्र की नजर इस पे गिरी। सारिपुत्र का नाम मुझे याद नहीं पर्टिकुलरली, तो सारिपुत्र की नजर गिरी अश्वजीत पे, और अश्वजीत की चर्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि सारे अश्वजीत को देखते बराबर सारिपुत्र समझ गए इसे कुछ ना कुछ प्राप्त है। तुरंत जाने की इच्छा भी, पूछने की इच्छा भी कि क्या है भाई क्या है, बोला नहीं ये सभ्यता नहीं, पहले पिंडपात करने दिया। पिंडपात होने के बाद सारिपुत्र जाते हैं अश्वजीत के पास और कहते हैं, और देखिए कितना सुंदर सवाल पूछते हैं। हम तो भी कोई धंते मिला, कोई भिक्षु पूछा तो पूछते हैं कि आप कहाँ से, आपका गांव क्या, आपका नाम क्या, आपका पुराना सरनेम क्या, आपकी जाति क्या वगैरह ये पूछते हैं। पर भारतीय संस्कृति क्या है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अरे मूल करो तलवार का, पड़े रहने दो। तो जब अश्वजीत के पास जाते हैं सारिपुत्र ये नहीं पूछते कि आपका नाम क्या, आपका गाँव क्या, आपकी जाति क्या, सारिपुत्र ये पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है और आपके गुरु की शिक्षा, क्योंकि इससे मुक्ति होगी ना। तब अश्वजीत कहता है कि मैं तो नया नया हूँ, उतना आपको नहीं जानता। तो तब क्या कहते हैं सारिपुत्र कि तुम मुझे बस सार बताओ, मुझे क्या बताओ, सिर्फ सार, मैं उससे अलग अलग दृष्टिकोण से जान लूंगा। बहुत बड़ी बात होती है एक ही विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, मतलब कितनी प्रज्ञा चाहिए। साधारण व्यक्ति किसी एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देख सकता, उसके लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए रहती है। तब सारिपुत्र को अश्वजीत
अश्वजीत सारिपुत्र को दो पंक्तियों में गाथा बताता है, क्या बताता है, ये धम्म हेतु पब्भवा तेसंच हेतु निरोध तथागत आह एववादी महासमुनि। सिर्फ ये दो पंक्ति बताता है अश्वजीत सारिपुत्र को, और ये दो पंक्ति सुन के बराबर सारिपुत्र क्या हो जाता है, वही अवस्था प्राप्त कर लेता है इन दो पंक्तियों में। कौन दो पंक्ति, ये धम्म हेतु पब्भवा तेसंच हेतु निरोध तथागत आह एववादी महासमुनि। तो सोचिए इन 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 दो पंक्तियों में उसकी बीच किस्सा शीलवत परामर्श और सत्काय दृष्टि नष्ट हो गए। तो सोचिए इन दो पंक्तियों में कितना गंभीर अर्थ होगा। तो देखो ये जो दो पंक्तियों को भी समझने की कोशिश करते हैं हम, तो ये धम्मा हेतु पब्बवा, मतलब ये सारे जो बातें, सारे धर्म जो है, ये सारे जो रूप चित्त चैतसिक रूप, ये जो सब कुछ है, ये सब अनात्म है। जब उसने ये जान लिया कि ये धम्मा हेतु पब्बवा, तो इस अर्थ से उसने ये जान लिया कि सभी का, उसकी प्रज्ञा इतनी थी कि सभी कारणों से उत्पन्न होते और ये कारणों से उत्पन्न होते इसलिए सभी अनित्य है और सभी कुछ अनात्म है। इस एक पंक्ति में उसने अनित्य और अनात्म का सिद्धांत जान लिया। इसने इसने सारिपुत्र ने सिर्फ एक पंक्ति, सिर्फ ये एक पंक्ति में कौन था, ये धम्मा हेतु पब्भवा। सोचिए इस एक पंक्ति में वो अनित्य बोध भी हो रहा है उसे और अनात्म बोध भी हो रहा है। सोचिए उसकी प्रज्ञा कितनी, क्या आप जान सकते, क्या हम लोग जान सकते कि सिर्फ उसने कहा सारे धर्म कारणों से उत्पन्न है। तो उसने अनित्य और अनात्म दोनों बातें सिर्फ इस आधी पंक्ति में उसने जान लिया, क्योंकि उसने अनित्य अनात्म जान लिया तो इसका मतलब उसे क्या होगी, सत्काय दृष्टि नष्ट हो गई। यही पे क्या होगी, उसे सत्काय दृष्टि नष्ट हो गई। अनित्य और अनात्म का बोध हो जाए, सत्काय दृष्टि वही पे नष्ट हो जाती है। यदम हेतु पब्बा तेसंच हेतु और निरोध तथागत अहं, तथागत यह बताते हैं, यहाँ पे उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगी तथागत को लेकर, क्योंकि उसने देख लिया कि कारण से उत्पन्न हो रहा है और ये तथागत बताते हैं, कहने चलो हेतु बताना कठिन है पर तथागत निरोध ही बता रहे हैं। और भगवान कहते भी मैं सिर्फ दो बातें सिखाता हूँ, एक दुख और दुख निरोध। तो तेसंच हेतु और निरोध तथागत अहं, मतलब तथागत हेतु भी बताते हैं, कारण भी बताते हैं और निरोधी बताते, तो यहाँ पे उसकी बुद्धि को लेकर श्रद्धा अपार हो जाती है, उसकी वी चिकित्सा भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब वी चिकित्सा तीनों से नष्ट होनी चाहिए, बुद्ध धम्म संघ से, ऐसा नहीं किसी बुद्ध पे नहीं है, बुद्ध पे श्रद्धा है पर धम्म संघ पे तो आप स्वतापति नहीं हो सकते। तो उसकी धम्म तो बुद्ध धम्म संघ पे तीनों पे जो वी चिकित्सा है नष्ट होगी। कैसे, उसने सारिपुत्र उसने अश्वजित को देखा, अश्वजित की चरिचर्या देखने पर उसका विश्वास हो गया कि ये संघ बड़ा श्रेष्ठ रहूंगा, जिस संघ से आ रहा, तो उसने सिर्फ अश्वजीत के रूप में संघ को देख लिया है ना, और उस उपदेश के रूप में धम्म को जान लिया और बुद्ध की सिर्फ शिक्षा के आधार पर बुद्ध की महत्ता को जान लिया। मतलब इस एक पंक्ति में तेसंच हेतु निरोध तथागत अहं एववादी महासमुनि, इस एक पंक्ति में उसने बुद्ध धम्म संघ पर उसकी क्या हो गई, श्रद्धा पूरी पक्की हो गई। और शीलवत परामर्श, क्योंकि वो शील विशुद्ध पहले से था तो शीलवत परामर्श के बाद आती नहीं, तो तीनों बातें उसकी एक जगह पे नष्ट हो गई और वही पे क्या हो गया, श्वेतापति हो गया। तो इसी प्रकार अश्वजीत और अश्वजीत ये अश्वजीत इस प्रकार से सारिपुत्र ने प्राप्त कर लिया श्वेतापति। और ऐसा कहा जाता है कि अगर एक विहार में भगवान बुद्ध और अश्वजीत दोनों होंगे तो उस दिन भगवान से तो मुलाकात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सोने के पहले भंते अश्वजीत को भी वंदन करके ही सोने जाएंगे भंते सारिपुत्र, क्योंकि अश्वजीत के कारण ये धर्म में आ पाए, उनके कारण उन्हें क्या मिला, धर्म मिला। तो इस प्रकार से आदर है। तो ये तीन अंग जब नष्ट होते तब कोई क्या होता है, श्रोतापति है ना। अब ये श्रोतापति के तीन बातें नष्ट हो गई, अब श्रोतापति के अंग, उसे क्या अंग है, तो ये चार तरह के अंग बताए गए कि जो कोई श्रोतापति होता है ये चार अंग उसमें देखने के लिए आते हैं। सबसे पहले वो सत्पुरुषों का सेवन करता है, ऐसा पुरुष करता है सत्पुरुषों का सेवन। और भगवान ने भी हमेशा जगह जगह पे स्थान स्थान पे कहा है कि आर्य विनय से अपरिचित, आर्य विनय से अपरिचित, आर्य सत्पुरुष से अब मतलब जिस कभी ने जिस किसी व्यक्ति ने कभी आर्य पुरुष नहीं मिला होगा या आर्य विनय को नहीं देखा होगा या आर्य उपदेश नहीं सुना होगा
चलो ये आज किसी व्यक्ति ने सत्पुरुष के दर्शन नहीं किए होंगे, सत्पुरुष का सहवास नहीं किया होगा, सत्पुरुष के पास धर्म नहीं सुना होगा, सत्पुरुष की बातें नहीं सुनी होंगी, तो ही व्यक्ति धर्म के संपर्क में नहीं आ सकता, तो ही व्यक्ति धर्म से दूर रहता है। सत्पुरुष का सेवन ही मतलब कल्याण होता है। अगर आपको एक बार भी सत्पुरुष मिल गया तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो कोई सोतापति होता है वो हमेशा क्या करते हैं, सत्पुरुषों की संगति करते हैं, कभी दुर्पुरुषों की, दुर्व्यक्तियों की, दुर्जनों की संगति वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो उनके जीवन का ये अंग होता है सोतापति व्यक्ति का, कि हमेशा सत्पुरुषों का ही सेवन करते हैं। दूसरा, हमेशा सत्य धर्म का श्रवण करते हैं, मतलब समय समय पे धर्म का श्रवण करते हैं। ये भगवान बुद्ध के संघ को श्रावक संघ भी कहते हैं ना, जो श्रवण करने पे ज्यादा उत्सुक होता है, जो श्रवण करना चाहता है, तो वो हमेशा क्या करता है, सत्य धर्म का समय समय पे श्रवण करते रहते हैं। और इसके अलावा योनिसो मनसिकार, योनिसो मनसिकार मतलब चिंतन मनन करना, विचार करना अच्छी प्रकार से, थिंकिंग। योनिसो मनसिकार मतलब अच्छे ठीक प्रकार से विचार करना। तो जब भी वो किसी बात पर विचार करेंगे तो ठीक प्रकार से विचार करेंगे। हम तो भी तुरंत किसी भिक्षु को देख के या किसी गलत इंसान को देख के या किसी गलत इंसान को तरक्की पे देखते हुए हमारे मन में तुरंत अयोनिसो मनसिकार मतलब गलत गलत विचार आ जाता है कि अरे देखो पिता पापी होने पर भी अच्छा कर रहा है, आज के जमाने में शील तो कोई होता नहीं, धर्म होता नहीं, ऐसा गलत विचार नहीं करेंगे, सही तरीके से ही विचार करता है वो। क्या होता है, योनिसो मनसिकार, अच्छी प्रकार से विचार करेंगे किसी बातों को देख के, और हमेशा धम्मानु धम्मा पंडित पद्धा, हमेशा धर्म के अनुसार ही आचरण करेंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं, मतलब शील युक्त उसका आचरण रहेगा। ये चार उसके में अंग होते हैं। इसमें दो बाहरूनी अंग होते हैं और दो अंदरूनी अंग होते हैं, जैसे सत्पुरुष सेवन और सत्य धर्म का श्रवण। तो ये बाहरूनी, क्योंकि हमें किसी दूसरों की आवश्यकता होती है धर्म सुनने के लिए, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, दूसरे व्यक्ति का हम सत्संगति करते। तो दो बाहर के अंग और दो अंदर के अंग, जैसे कि योनिसो मनसिकार, ठीक प्रकार से विचार करना, और धर्म के पथ पर चलना। तो ये चार अंग होते हैं श्रोतापति व्यक्ति के। और इन चार, जैसे कि हम देखते हैं कौन आनंद है, आनंद कभी भी क्या हुआ, भगवान के जीते जी अनंत नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ था, श्रोतापति अवस्था उसने प्राप्त किया ही था। क्यों, क्योंकि धर्म श्रवण करता था भगवान बुद्ध के पास से, क्योंकि जब वो भगवान को उपस्थापक बना था तो उसने शर्त रखी थी, अट रखी थी कि नहीं भगवान कहीं भी जाएंगे तो मुझे साथ लेके जाएंगे, अगर साथ लेके नहीं गए उन्होंने वहां पे जो उपदेश दिया आने के मुझे बताएंगे ठीक शब्दानुशब्द वैसे ही। तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने धर्म सुना था भगवान के मुख से तो वह सारी पुत्र, इसलिए भगवान बुद्ध, इसलिए वो है आनंद, इसलिए आनंद को धम्म भंडारिक भी कहा जाता है, जिसके पास धर्म सबसे ज्यादा है। जहाँ पे भगवान बुद्ध एक साधारण इंसान एक समय में जितने शब्द बोलता है, वहां पे भगवान बुद्ध उतने समय में 16 शब्द बोल लेते थे, और आनंद उतने समय में 8 शब्द बोल लेते थे। और आनंद में ये क्षमता थी कि एक इसमें 80,000 शब्द उसी क्रम में वो याद रख सकते थे, एक बार सुने हुए को 80,000 शब्द उसी क्रम में, ये आनंद के लिए। तो आनंद ने सबसे ज्यादा भगवान के पास धर्म सुना था। और सत्पुरुष भगवान के साथ दिन भर का था, सत्पुरुष सेवन ही था, है ना। और जब भी करेंगे ठीक प्रकार से विचार करेंगे और धर्म के अनुकूल आसन करेंगे, क्योंकि भगवान साथ रहता है। तो इस प्रकार से चारों अंग उसमें थे। तो भले ही साधना करने में समय नहीं मिलता था, पर क्योंकि उसमें चार अंग थे इसलिए उसने कम से कम श्रोतापति अवस्था भगवान के जीते जी प्राप्त कर ही लिया था इतना बिजी होने पर। तो ये होते हैं श्रोतापति के अंग, और ऐसे व्यक्ति तीन बंधनों को नष्ट करके श्रोतापति होता है, और श्रोतापति व्यक्ति 7 जन्मों के अंदर मुक्त होता ही होता है। तो इस प्रकार से यह है श्रोतापति। तो आशा करता हूँ आपको समझा होगा, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। किसी कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकता है। मंदावी पंती जी, हाँ मंगलो जी, पूछिए, नाम आपका? मैं अनीता बोल रही हूँ, मीरा रोड मुंबई से जी। अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, जिनको 3 क्वालिटीज है सोतापन्न की, लेकिन उन्होंने विपस्सना बिल्कुल भी नहीं की है, तो क्या वो सोतापन्न बन सकते हैं? जी, हो सकते हैं, क्योंकि सोतापति उतना डीपली नहीं होता है, शिकाय दृष्टि अभी चिकित्सा वगैरह उनके पुराने पुण्य होंगे तो हो सकता है। ज्यादातर सुनने से होता है, सुनने सुनते रहने से, उसकी श्रद्धा अटूट होने से, धम्म संघ पे
उसकी विपश्यना अपने आप लग जाती है, वो धर्म को इस प्रकार से सुनते रहता है कि वो सुनते सुनते चित्त इतना खतरा एकाग्र हो जाता है कि वो वहीं पे अनित्य दुख अनात्मक को जान लेता है, क्योंकि समाधि लग गई उसकी। समाधि लगते लगते धर्म को इस प्रकार से सुन जाता है कि इधर 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 धर्म सुन रहा है और वो सारे धर्म को अनुभव करता है अपने जीवन में चित्त चैतसिक के आधारों पर। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे किसकी वाली, थिकनाथन की मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, वो मेडिटेशन पे किताब है, वो किताब इतनी अद्भुत है कि किताब पढ़ते पढ़ते इंसान का ध्यान लग जाता है, सकता है कि वो मेडिटेशन कर रहा है। तो इसी उसी प्रकार वो जब धर्म सुनता है, भगवान के समय सबकी पारमिता होती है, फिर भगवान बुद्ध धर्म सुनाते रहते हैं और ये लोग उधर सब अनित्य दुख अनात्मा उनको बोध उनका वही पे चलते रहता है, इतने उनकी समाधि चित्त एकाग्रता लग जाती है। ठीक है, वंदामी भंते जी, मैं कमल किशोर पटना बिहार से। मेरा प्रश्न ये था भंते जी, चूल श्रोतापन क्या होता है? चूल श्रोतापन ऐसा तो कही के मैंने पढ़ा है, ऐसा अर्थ लेते हैं कि चूल श्रोतापन उसे कहे जिसने मार्ग प्राप्त किया, प्रफल प्राप्त करने का। पर कल जब मैंने शुद्धि में पढ़ा, विशुद्धि सॉरी सात तरह की शुद्धि, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने मार्ग प्राप्त किया। चूल श्रोतापन उसे कह सकते जिसकी कांशा वितरण दृष्टि या कांशा वितरण विशुद्धि ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, या जो कांशा वितरण विशुद्धि जिसकी हो चुकी है, उसे चूल श्रोतापन कहते हैं। मतलब चित्तशील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, चित्त विशुद्धि के बाद कांशा वितरण विशुद्धि है ना, और दिट्ठी विशुद्धि, ये चार तरह से जो विशुद्ध हो चुका है उसके बाद उसे कहा जाता है कि वो चूल श्रोतापन हुआ है। अच्छा, जैसे विपश्यना साधना में किसी को भंग अवस्था प्राप्त होती है तो शरीर के अंदर अंदर वो अणु अणु को देख लेता है। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है बंते जी? नहीं, हमें बोला आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। अच्छा अच्छा, तो ये प्रश्न था बंते जी कि विपश्यना साधना में जैसे किसी को भंग अवस्था प्राप्त होती है, बींद बींद कर वो शरीर के अंदर अंदर पास करके अणु परमाणु को देख लेता है, कोई भी ठोसपन नहीं रह जाता है, तो क्या वो भंग अवस्था प्राप्त व्यक्ति चूल श्रोतापन्न हो जाता है? हाँ, क्योंकि भंग जो ज्ञान है वो दिट्ठि विशुद्धि आकांक्षा वितरण विशुद्धि की भी आगे वाली विशुद्धि है। अच्छा अच्छा, हाँ, और... लेकिन वो चूल श्रोतापन्न हम ऐसा नहीं कह सकते कि आर्य लोगों में आ गया। अच्छा अच्छा, तो एक प्रश्न, मतलब मेरे जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से उसे मार्गस्थ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते उससे मार्ग प्राप्त कर, मार्ग श्रोतापत्ति नहीं है वो चूल श्रोतापन्न। बस ऐसे एक बता है कि उसकी अभी अपाय गति निश्चित नहीं है, अभी वो अपाय नहीं जाएगा आसानी से, क्योंकि उसने वो अपने जो 10 विपश्यना के उपकलेश है उसके, वो बहुत हद तक दूर हो गए, अभी लंबे समय तक आएंगे नहीं, पर उत्पन्न हो सकते फिर से। अच्छा, उसमें भी फिर से विपश्यना जो 10 उपकलेश है फिर से नष्ट हो सकते, पर लंबे समय तक इतने आसानी से नहीं होंगे, तो इसलिए वो आर्य पुरुषों में नहीं उसकी गिनती आती है। अच्छा, एक प्रश्न और है, मार्ग और फल ये दोनों में क्या अंतर है? जैसे कोई श्रोतापन हो गया तो फलित हो गया, वो श्रोतापन फल प्राप्त हो गया, और वो अब आगे सगदागामी बनने वाला है, तो क्या वो सगदागामी मार्गस्थ हो गया? मार्ग है, हाँ, मार्गस्थ है। अगर सगदागामी के लिए प्रयास है तो मार्गस्थ है। अच्छा, और अगर प्रयास नहीं है तो केवल श्रोतापन नहीं फल प्राप्त हुआ, उसको प्रयास करना है, वो करता से प्रयास। अच्छा, हम वो प्रयास करता है सफलतागामी अनागामी के लिए। अच्छा, तो अच्छा, किसको कहेंगे कि ये श्रोतापन्न के लिए मार्गस्थ हो गया, ये कैसे क्लियर होगा कि मार्गस्थ हो गया वो? मार्ग और फल में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ एक चित्त क्षण का अंतर होता है। अच्छा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्या अंतर है, सिर्फ इसमें एक चित्त क्षण का अंतर होता है, एक चित्त क्षण का मार्गस्थ और फलस्थ में। अच्छा अच्छा, ऐसा पढ़ने में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वंदामी बंते जी, मंगलो कौन? मैं नागपुर से वंदना सावले क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कौन से फल प्राप्त व्यक्ति, कौन सा फल प्राप्त हुआ व्यक्ति सात जन्मों की, मतलब उसको आठवां जन्म नहीं लेना पड़ता, आपने ऐसे बताया ना जन्म, तो सकुरदा काम उसको आठवां जन्म लेना ही नहीं पड़ता, आपने बताया जैसे अभी। हाँ, तो वो गौतम बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध को
ऐसे भी आपने प्रवचन में भी बताया है कि उन्होंने जब किसी ने पूछा था कि आप कितने बार बकरी या बैल बना हो गाय बने हो कि मुंडी काटे है, तो उसका काउंटिंग नहीं हो पाया, मतलब पर्वत से भी ज्यादा इतने मतलब नंबर हुए होंगे, तो वो कितने जन्म लिए उन्होंने? फिर वो तो मतलब पहले से ही कुछ ना कुछ श्रोतापन्न सा कृतागामी कुछ ना कुछ तो पद नहीं 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 जिस क्षण बुद्ध जिस समय कोई बोधिसत्व संकल्प लेता है, मनोपर संकल्प लेता है कि मुझे भी बुद्ध होना है, उस समय उसका अनंत का रास्ता बंद हो जाता है। वो सोतापति चतुर्थगामी अनागामी ये पूरा रास्ता उसका बंद हो जाता है। सोतापति जो अवस्था प्राप्त करता है वो उसको रास्ता अनंत की ओर लेके जाता है, ठीक है? तो ये रास्ता उसका बंद हो जाता है, वो बुद्ध के लिए प्रयास करता है, बुद्ध के लिए ये रास्ता अलग हो जाता है, अनंत का रास्ता और बुद्ध का। तो वो तो ऐसे जन्मों की गिनती नहीं किसी की हम नहीं गिन सकते, पर जब जिस समय उन्होंने जिस जन्म में वो बुद्ध होने के लिए संकल्प लेते कि मुझे बुद्ध होना है, उस जन्म से उनके पारमिता भरना शुरू हो जाए, उस समय वो कोई फलश्रुति प्राप्त नहीं होती। हाँ, पर उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो उस जन्म में अनंत हो सकते हैं, पर वो नहीं होते हुए वो अपना वो रास्ता छोड़ते हुए बुद्धत्व के लिए प्रयास करते हैं। अच्छा, मतलब बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले ऐसे इतने सारे जन्म उन्होंने लिए होंगे? बहुत बहुत, इसकी कोई गिनती नहीं, भगवान ने कहा जन्मों की कोई गिनती नहीं, ये अचिंतनीय विषय है। जी बनते जी, साधु साधु साधु। बंते जी, आपने मिरेकल ऑफ माइंड का ऑथर फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज। पिकनाथन, पिकनाथन, हाँ, वर्ल्ड फेमस है वॉकिंग मेडिटेशन के लिए। शायद से आपने उनकी वो किताब पढ़ी होगी, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, वो कौन सी बनती जी? उपन्यास पे तो सीरियल बना है बुद्ध का, जो सीरियल बना था ना, वो उसी उपन्यास पे बना है, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के। उनकी वो किताब बड़ी फेमस है, वो भी किताब मेडिटेशन के लिए वो अच्छी है, वॉकिंग मेडिटेशन के लिए, या मेडिटेशन के लिए, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। पिकनाथन ना बनती जी? पिकनाथन, पिकनाथन। और कोई सवाल? कल के कोई सवाल नहीं किसी को? हाँ, हेलो, हाँ, बंदा भी बनते हैं कौन? बनते, ये बोधिसत्व में और ये अरहंत में क्या अंतर है, या बुद्ध में क्या अंतर है? बोधिसत्व मतलब जो बुद्ध होने के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है? अब जब तक बुद्ध नहीं होगा तब तक उसे कहेंगे बोधिसत्व। बोधिसत्व होता है जो पहले वाले बुद्ध से आशीर्वाद लेता है कि उसे बुद्ध होना है, ठीक है? और अभी अपने पारमिता पूरे कर रहा है बुद्ध होने के लिए, पारमिता, उपपारमिता, परमार्थ पारमिता, ठीक है? अरहंत मतलब जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, पर वो अरहंत है जो कि बुद्ध का शिष्य है, जिसने बुद्ध के पास से या किसी और के पास से बुद्ध की शिक्षा सुन सुन के वो मुक्त हुआ है। तो बुद्ध जो होता है वो बुद्ध स्वयं खोजता है ज्ञान को, ही डिस्कवर्स, बुद्ध स्वयं खोजता है ज्ञान को, लेकिन अरहंत क्या होता है, खोजता नहीं, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि खुद ही खोज सके। हाँ, पर किसी के पास सुन लेता है तो उसे बोध हो जाता है, ये है दुख का, ये जैसे कि चार सत्य, ये बुद्ध का बोलता है जब वो चार सत्य खोजता है, वो तब जो कोई चार सत्य खोजेगा वो बुद्ध होगा, ठीक है? और अरहंत क्या है, इन चार आर सत्य वो अपने गुरु के पास या बुद्ध के पास सुन सुन के इसकी भावना कर करके इसके आधार पर मुक्त होते, उनकी इतनी प्रज्ञा नहीं होती है कि वो खुद खोज सके। तो तथागत दस पारमिता पूरी करनी पड़ती है बुद्ध को, दस पारमिता, उप पारमिता और परमार्थ पारमिता पूरी करनी पड़ती है। तो तथागत ने भी संकल्प लिया होगा क्या पहले, इससे पहले वाले संपर्क संबोध से? 24 बुद्धों पहले संकल्प लिया था ना उन्होंने, किसके जमाने, किसके जी, किसके? 15 बुद्ध के समय में। राइट राइट, थैंक यू, धन्यवाद, साधु साधु साधु। वंदा में बनते जी, मैं ज्ञानदेव वाघमारे पूना से बोल रहा हूँ। बनते जी, मैं अभी 2 हफ्ता पहले ही बोध गया से सामने शिविर करके आया हूँ। हाँ, तो मैं गिरपा पर्वत पे गया था, जिधर सारे पुत्र बनते जी ने साधना किया है। तो वहां पे लोग मानते हैं कि वो बनते जी अभी तक वहां पे है, तो आपका उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज में है क्या?
नहीं सारे पुत्र वहाँ बिल्कुल नहीं हो सकते, भंते कश्यप महाकश्यप जी वहाँ पे है अभी तक बोलते लोग, तो उसके बारे में आपके नॉलेज में कुछ है क्या? देखो हो सकते हैं वहाँ, क्योंकि उनके अस्थियां आते नहीं है मिलने में ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात कैसा है कि उनमें छह लक्षण थे, छह शारीरिक लक्षण थे, जैसे बुद्ध में 32 लक्षण होते हैं ना, महाकश्यप में छह शारीरिक लक्षण थे। और महाकश्यप ने जब गृह त्याग किया था तब भूमि कंपित हुई थी, महाकश्यप ने बुद्ध के साथ चीवर एक्सचेंज किया तभी भूमि कंपित हुई थी, और महाकश्यप से ही बुद्ध का शरीर जला था, तब तक शरीर जल नहीं था। तो हाँ हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है कि हम वहां पे होंगे महाकश्यप। वहां पे एक पहाड़ है ना, तो वहां पे उन्होंने एक काटी के थ्रू ऐसा फायरी जैसा रोड बनाया है, तो बहुत सारे वो उधर बहुत कम लोग जाते हैं उधर, बहुत ऐसा बड़ा पहाड़ है वो। जी भंते जी, मैं चैंटिंग की बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं भी अभी अभी 3 दिन का चैंटिंग करता हूँ, तो मैं भी वहाँ पे वो पहाड़ी पे गई थी, महाकश्यप जी जहाँ पे है अभी भी ध्यान कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे ध्यान किया ना, तो खाली मैं हम लोग 5 मिनट के वहाँ पे बैठे, लेकिन इतना जो शरीर और मन शांत होता है 1 घंटे की विपश्यना करके वहां पे 5 या 6 मिनट में, उतना कूल और बहुत प्रसन्न लग रहा था, मतलब बहुत ही बहुत बहुत ही बढ़िया अनुभव था वो। ये इसी तो तब भूमि कहते हैं ना, तब भूमि का बल होता है। वंदा भी बनते जी, जन पुनर्जन्म के बारे में भी कुछ उल्टे सुलटी चर्चा होती है या नहीं है? और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और बाबा साहब ने भी अपने ग्रंथ में बुद्ध आणि त्यांचा धम्म उसमें बोला है कि वो धातु का पुनर्जन्म होता है, तो किस तरह पुनर्जन्म होता है? यही चित्त आता है अगले जन्म में? देखिए मैं पुनर्जन्म पे, हमारे कर्म कहाँ पे संचित रहते हैं इस बॉडी में? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर मैं इसको अभी भी बहुत लंबा विषय है इसलिए इसको यहाँ पे नहीं बोलूंगा। लेकिन बाबा साहब के दृष्टिकोण से अनुसार पुनर्जन्म है या नहीं है इस पे मैं ऑलरेडी प्रवचन दे चुका हूँ। आप इसके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा, वहां पे मैं दिया है। और बुद्ध दृष्टिकोण के हिसाब से मैं जल्दी समझाऊंगा समय आने पर, तब आप अटेंड कीजिएगा, आपको मैं वहां पे समझा दूंगा कि कर्म कहाँ संचित होते हैं, कर्म कैसे फलित होते हैं, ठीक है, फिर जन्म किसका होता है किसका नहीं होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। वंदामी बंते जी, हाँ यूट्यूब चैनल कौन सा बोला आपने? ये बता देंगे आपको शालिनी जी, अपडेट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे है आप? जी जी जी, हाँ वीडियो मिल जाएगी। ओके ओके ठीक, थैंक यू बंते जी। आपने जो बताया है श्रोतापत्ति के लिए वो 3 जो विकार है वो नहीं बाधा है वो समाप्त हो जाती है, जैसे आपने बोला एक पहला संशय, तो दूसरा और तीसरा क्या बताया था? अगर अपन खुद अपन को ऐसा लगता है कि पहले से अपन में खुद में जो संशय करने की जो वृत्ति थी अब कम हो गई है या कुछ, तो क्या कह सकते हैं हम कि हम अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं या बिहेव अच्छा हो रहा है, ऐसे हम खुद को कह सकते हैं? देखिए धर्म सुन, अगर आप धर्म समय समय पे रोज सुनते हैं, दूसरा सत्पुरुषों की संगति में है, तो आपकी जल्दी 3 बंधन नष्ट हो जाते हैं, दे चिकित्सा शीलवत परामर्श और सत्कार दृष्टि। साधु साधु में बनते बनते एक क्वेश्चन था, जैसे भी अपने भगवान बुद्ध सुमेध बोधिसत्व जो उन्होंने जो अधिष्ठान लिया था कौन से बुद्ध के सामने लिया था बनते? दीपंकर बुद्ध के सामने सुमेध बोधिसत्व ने ये संकल्प लिया था कि फ्यूचर में मैं बुद्ध बनूंगा। अभी जो भगवान बुद्ध बने
उनके सामने जो अभी जिन्होंने संकल्प लिया जैसे कि मैत्रेय फ्यूचर में मैत्रेय बुद्ध बनने वाले, तो ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने बुद्ध के सामने भगवान बुद्ध के सामने में संकल्प लिया कि फ्यूचर में मैं मैत्रेय बुद्ध बनूं, तो ऐसा किसका नाम है सर? तो इनसे ही पहले लिया होगा क्योंकि हाँ गौतम बुद्ध ने प्रज्ञा के बलबूते पारमिता पूरी की, तो उनको चार संख्या 1,00,000 कल्प लगा। ये जो मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं उन्होंने तो श्रद्धा के बलबूते पे पारमिता पूरी की है, तो उन्हें 16,01,00,000 कल्प लगेगा। मतलब हमारा गौतम बुद्ध से भी डबल टिब्बल समय पहले, टिब्बल चौबल समय पहले उन्होंने संकल्प लिया था। ऐसा किसी का ऐसा कोई नाम दिया है कैसे इसमें आप? नहीं, इनका नाम नहीं है क्योंकि हमें साहित्य में 24 बुद्धों का नाम आता है, तो 24 बुद्धों कम से कम 80,000 बुद्धों के पहले शायद से लिया होगा उन्होंने, मतलब 80 के अंदर। मतलब आप समझिए जितना समय इनको लगा ना सिद्धार्थ गौतम को या सुमेध बोधिसत्व को पारमिता पूरे करने के लिए 4,01,00,000 कल्प, इससे 3 गुना ज्यादा समय, मतलब इसके 3 गुना पहले उन्होंने लिया होगा संकल्प मैत्रेय बुद्ध ने। जी 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 जी। और उनका समय समय बहुत खराब होने वाला, क्योंकि उनके समय में चक्रवर्ती राजा भी होने वाला है जो कि बहुत दुर्लभ है आज तक के ऐसा देखने की राय। एक तो बुद्ध हुए है, एक तो चक्रवर्ती राजा हुआ है, इस बार तो चक्रवर्ती राजा और बुद्ध दोनों साथ में होने वाले है। जो बुद्ध होने वाले आर्य मैत्रेय बुद्ध उनके पिता चक्रवर्ती राजा रहने वाले है, तो सोच सकते हैं आप कि दोनों 32 लक्षण, बहुत बड़ी बात है आने वाला समय मैत्रेय बुद्ध का। हमको एक वर्ड में डिफाइन करो। वंदामी बंते जी, मैं रश्मि बोल रही हूँ। मैंने ना कल रात को आपका पतिदान पुण्यमोदन पत्तानुमोदन और पुण्यमोदन का प्रवचन देखा यूट्यूब पे, तो मेरे मन में एक सवाल है कि जो पतिदान होता है जो हम सिर्फ हमारे जो पूर्वज हमारे जो ज्ञाति हैं जो प्रेत योनि में है जो मर चुके हैं उनके लिए हम करते हैं, बट क्या हम हमारे नातियों के अलावा भी किसी और के लिए भी कर सकते हैं? मतलब मेरा ये सवाल है, इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे रिलेटिव्स हैं इसलिए मैं उनके लिए करूँ, और अगर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए करना हो तो या किसी और के लिए करना हो जो मेरे नाती नहीं हो ऐसा तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बोलते वक्त ऐसा भूलेगा कि जो भी कोई प्रेत योनि में गया है, जो भी कोई सत्वा वहां पे भूखा प्यासा व्याकुल होगा, उन सभी प्रेत योनि के सपोर्ट के लिए या मेरा पुण्य उन सभी में मैं देता हूं, मैं देती हूं। ओके, मतलब करना चाहिए तो सबके लिए करना चाहिए ऐसा मेरे मन में आया। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, उनकी पीड़ा बहुत 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 दुखद रहती है, मैंने पढ़ा था ना, मुझे पढ़ के नहीं आता। भंते जी पता है मैंने रात को 1 बजे आपका प्रवचन चालू किया, 1.5 घंटे का है, उसके बाद जब आपने लास्ट में पुण्यानुमोदन बोला तो मैंने उधर बैठ के किया लिटरली रात को 2:30 बजे। ओ साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा शब्द। थैंक यू भंते जी। कहाँ से आप? मुंबई से, रश्मि। और एक है कि मैंने सर से आपका नंबर लिया है, तो मुझे और भी कुछ पूछना है बट वो मैं आपसे व्हाट्सएप पे पूछूंगी। जी जी बिल्कुल। और कोई वंदा में बनते जी, मंगल आपने अभी 24 बुद्ध कहे, अभी 28 हो गए ना? हाँ 28 बुद्ध हो गए हैं। 28 बहुत बुद्ध हुए, गिनती नहीं इतने बुद्ध है, हमें साहित्य में सिर्फ 28 बुद्ध की सूची मिलती है। मैंने 24 बुद्ध इसलिए बोला कि 24 मतलब तीसरे बुद्ध से, मतलब आज से 24 बुद्ध पहले वाले बुद्ध से उन्होंने संकल्प लिया था, उसके पहले 3 बुद्ध से नहीं लिया उन्होंने। जो तीसरे बुद्ध थे ना दीपंकर बुद्ध, उनके पास से सिद्धार्थ सुमेध बोधिसत्व का संकल्प शुरू होता है, पहले ही बुद्ध से नहीं, ऐसे इसके पहले ही बहुत बुद्ध हो गए होंगे उनके पहले भी, पर नाम नहीं मिलता मैं, समझा? हाँ हाँ, तो अभी मैत्रेय बुद्ध आने वाले बोलते हैं ना, बहुत प्यारा समय है मतलब 80,000 साल जीने वो 80,000 साल आप और हम रहेंगे तब तक। नहीं तो संकल्प कीजिए, वैसे पारमिता कीजिए पूरे, हर पुण्य कर समय ये संकल्प कीजिए कि मैं आने वाले मैत्रेय बुद्ध के समय में उत्पन्न हूँ, हर पुण्य का समय ये संकल्प कीजिए। थैंक यू सर।
सर। आज का यूट्यूब में डालेंगे ना ये, क्योंकि मुझे लेट हुआ अटेंड करने के लिए, लेट हुआ। जी जी बिल्कुल डालेंगे। अच्छा कल का मैं सुन रही थी, भूल गई थी टाइम। कल का प्रश्न कैसा था, हार्ड था क्या थोड़ा सा? हाँ कल का प्रश्न बहुत हार्ड था। बंते जी मुझे हाँ बोलेंगे चित्ता और दृष्टि ये दोनों के बारे में विस्तार से बताएं, बाकी वो आकांक्षा वितरण शुद्धि और वो मत्का ज्ञान दर्शन उसका नहीं बताया जाता है। हाँ, क्योंकि उसका मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि उसके बाद मेरा और एक जगह पे प्रवचन था और एक अमेरिकन एसोसिएशन था उनके उसमें मेरा प्रवचन था, तो इसलिए मुझे बहुत फास्ट फास्ट करना पड़ा। और तो मैं वो उसके लिए फिर किसी दिन अलग से क्लास दूंगा, समझाऊंगा। आपका आवाज नहीं आ रहा, प्लीज प्रॉपर फिर से बोलिएगा। सोतापति को डिस्कनेक्टेड। हेलो आवाज आ रहा है बंते जी? हाँ अभी आ रहा है आवाज। मुझे बोलना था कि जैसे अभी सोतापत्ति फल या सोतापत्ति मग वाले जो है, तो उनमें ये चारों प्रकार की विशुद्धि होती है क्या? ये चार जो बताया आपने, आपने चित्त दृष्टि आकांक्षा और वितरण और मग क्या नहीं ना? नहीं सुनिए, जो सोतापत्ति होता है उसमें तो शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दृष्टि विशुद्धि ये होना ही है, और आकांक्षा वितरण विशुद्धि, ये चार विशुद्धियां होंगे ही होंगे। मगर उनमें एक तो काम छंद तो रहता ही है ना बंते जी, काम छंद रहता है, व्यापार भी रहता ही है। नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, ये जो आप बोल रहे ना काम छंद व्यापार वगैरह, ये कब नष्ट होता है? ये ऐसा नहीं, उत्पन्न तो होता है, जब तक अनंत नहीं होगा तब तक ये सब होंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा है कि इतने आसानी से उत्पन्न नहीं होते उनमें, ये इंटेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी और लंबे समय के लिए कम हो जाती है, लंबे समय तक इनका गायब रहता है वो काम छंद व्यापार उद्दच्च कुक्कुट थीनामिद्धा। और इनमें ये ताकत आ जाती है, इनमें ऐसा विपस्सना ज्ञान आ जाता है कि तुरंत हटा भी सकते हैं। यानी होता है मगर वो कंट्रोल कर लेते हैं, सजग हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, क्योंकि सकदागामी में वो दो जाते हैं ना। और अगर देखेंगे तो अनागामी अवस्था तक राग द्वेष मोह की जड़े रहती है, जब तक अरहंत नहीं होता तब तक पूरे खत्म नहीं होते। अच्छा, यानी उनको तो फिर वो अनात्म का भी बोध नहीं होता होगा ना अरहंत होने पर? अनात्म का होता है, बस कैसा होता है, उसके दर्शन अलग अलग स्तर पे रहते हैं, कार्य कारण के साथ है ना, ऐसे ऐसे दर्शन उसके अलग अलग रहते हैं। जैसे विपश्यना ज्ञान में भी ऐसे 16 तरह के विपश्यना ज्ञान है ना, वैसा एक एक विपश्यना ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। जैसे कि अच्छा कांशा वितरण विशुद्धि में उनको ऐसा है कि वेदना स्कंद को जानते हैं, संज्ञा स्कंद को जानते हैं, पर कारणों के साथ नहीं जान पाते, वो इन स्कंदों को सिर्फ जानते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी विशुद्धि आगे बढ़ते जाती है, उसको कारणों के सहित वो जानते हैं। ठीक है बनते, ये विशुद्धि का जो अभ्यास है ये तो मुझे लगता है वो अभिधम्म का पार्ट ज्यादा है ना इसमें। हाँ देखिए ऐसा है कि हाँ बोल सकते है, अभिधम्म का पार्ट तो है उसमें। हाँ पर तो भी शील विशुद्धि चित्त विशुद्धि ये तो सरल सी बात है, इसलिए तो इंसान ने प्रयास करना चाहिए, शील विशुद्धि चित्त शुद्धि इसके लिए तो प्रयास करना चाहिए। भंते जी अभी अभी वर्तमान में है अपने यहाँ भारत में कोई? अरे अब मुझे ये नहीं पता कि भारत, मुझे ये नहीं पता कि भारत में कोई अरहंत है या सोतापति है या नहीं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जब तक धम्म है पृथ्वी पे तब तक कहीं ना कहीं तो अरहंत सोतापति कुछ ना कुछ होंगे, और धम्म नहीं भी रहता है तो भी शुद्ध वासा ब्रह्मलोक में अनागामी लोग रहते थे। नहीं भाई ये अपने गोयनका गुरुजी बोलते हैं ना कि गोयनका गुरुजी सोतापन्न हुए, ऐसा
सुनने में आया ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। उन्होंने मना किया है, लेकिन मैं सुतापति नहीं हुआ वो बोले। हेलो, उन्होंने मना किया एक प्रवचन में साफ साफ कहा कि मैं सुतापति नहीं हूँ। मृत्यु के समय पता नहीं कि हुए कि नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक प्रवचन में कहा कि मैं सुतापति नहीं हूँ। उनका कार्य काफी अच्छा रहा है बुद्धिज्म के लिए, इसमें कोई शक नहीं। उनका देखकर ही लगता है कि इन्हें सोतापत्ति फल प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। उन्होंने जितना प्रयास किया, जितना किया, उतना तो हमको और जन्म लगेंगे ना। मंदावी मंत्री जी, मैं ये पूछ रही थी कर्म स्थान का चयन कैसे करना चाहिए। मुझे कोई कर्म स्थान लेना, इसके लिए आचार्य के अंदर में रहिए, तो उनके संपर्क में रहिए। वो आचार्य जब देखेगा आपका पूरा चर्या वगैरह, उसके हिसाब से वो देगा आपको कर्म स्थान। तो तब तक मतलब वो आचार्य तो तब तक क्या करना चाहिए फिर? ऐसा अगर मतलब क्या, आप अच्छे से शील पालन कीजिए, चित्त शुद्धि पे ध्यान दीजिए, ठीक है? और चित्त शुद्धि के लिए भी कर्मस्थान लगेगा, तो आप शील पे ध्यान दीजिए। और ज्यादा कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप मैत्री भावना, ठीक है, मैत्री भावना भी एक कर्मस्थान है। मैत्री भावना, मरणानुस्मृति और अपना आनापान पता नहीं लगेगा, अगर आपकी चर्या अलग होंगे तो आनापान कठिन जाएगा, पर तो भी आनापान ट्राई कीजिए। और अगर ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम श्रद्धा बढ़ा दीजिए और धर्म सुनते रहिए। श्रद्धा बढ़ी, धर्म सुनते रहे तो चित्त एकाग्र वैसे ही हो जाएगा। धर्म सुनते सुनते आपका तो वहां पे धर्म सुनते सुनते आप समझ लगते हैं। आनापान करते समय भी ना ऐसा मन एकदम से भटक जाता है। इंग्लिश आती है आपको? हाँ, तो आप वाली किताब ले लीजिए, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बाय थिकनाथ, ठीक है जी। ठीक है, और अगर आप नहीं जमता है तो प्रवचन सुनते रहिए श्रद्धा के साथ, जिसकी जिसपे श्रद्धा है उसके प्रवचन सुनते रहिए, चित्त अपना एकाग्र हो जाएगा, ठीक है जी। और मन भटकता है उसके बाद मिलेगा, उसके लिए आचार्य के अंडर में ना पड़ता है, मतलब आचार्य को देखते देखते ना पड़ता है ना स्वभाव, तभी उसके आधार पर देता है। तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कर्म स्थान के बारे में, पर आराम से मैं कभी जब मेरे पास पूछा रहेगा तब डिस्कशन करके आपके स्वभाव के बारे में जान के कर्मस्थान के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? मेरा ऐसा रहता है कि मेरा मन ना बहुत विचलित, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम सही होना चाहिए या सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इस टाइप के विचार आते हैं। तो अच्छा, तो आप जब बहुत साफ सफाई रखते है क्या घर पे? हाँ, मुझे सिस्टम में रहना अच्छा लगता है, मतलब। और जब दूसरे लोग नहीं रहते ना सिस्टम में, तो बस जी पुण्य करने की बहुत इच्छा होती है। हाँ, होती है ना, मुझे ऐसा लगता है ये करना चाहिए। बताइए कुछ भी है, और बहुत साफ सफाई करते, झाड़ू कैसे पकड़ते हैं आप? झाड़ू मतलब मैं तो सफाई करने निकलती हूँ ना, तो मैं अपने घर के आसपास इवन जो बगल का प्लॉट है ना उसकी भी आधी सफाई कर देती हूँ, तो मुझे पूरा क्लीन चाहिए। मुझे लगता है कि सब ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कोई कर्मस्थान, ठीक है? जल्दी मैं आराम से आपका डिस्कशन करूंगा, ठीक है? डिस्कशन करने के बाद हम कर्मस्थान बताएंगे आपको, ठीक है? साधु साधु साधु, अगर किसी को लास्ट क्वेश्चन होगा तो आप पूछिए। नमस्ते बंती जी, एक प्रश्न है। एक्चुअली मैं बफे डिनर में गई थी और तभी गलती से एक हील ब्रेक हो गया, एक्चुअली जानबूझ के नहीं किया था, और वहाँ पे सब वेज फूड, जैन फूड लिखा था ऊपर, तो मुझे लगा सब वेज ही होगा, तो मैंने खा लिया। लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया कि लास्ट वाला जो आइटम था वो नॉन वेज था, लेकिन पहले वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि वो नॉन वेज है, लेकिन मैंने तभी वो खा लिया था। और तो क्या मुझे उसका पाप लगेगा क्योंकि मैं पंचशील धारण करके? नहीं, नॉनवेज खाने से कोई पाप नहीं लगता है। देखिए, अगर आप कहीं पे गए हैं, ठीक है, आपको पता नहीं था कि आप नॉनवेज होने वाला है, ठीक है, और दूसरी बात आ, तो दूसरा खाना भी नहीं है, तो आप तब खा सकते हैं, क्योंकि वो खाना आपको उद्देश्य करके नहीं बना है, ठीक है? अच्छा, नॉनवेज खाने से कुछ पाप नहीं लगता। अच्छा, और नॉनवेज खाने से शील भी नहीं टूटता, पर आप बोलते हो कि मेरे नॉनवेज बनाओ फिर शील टूटता है।
नहीं वो तो नहीं, घर पे तो बिल्कुल नहीं। जो अजान के खाया होगा मांस उद्देश्य होगा वो चलता है। अच्छा ओके, वही मुझे थोड़ा रेस्टलेसनेस लग रहा था कि ये क्या, मतलब इतना पाला है और अभी अचानक से गलती हो गई। कल का सुना था क्या प्रवचन? सॉरी, कल आप अटेंड नहीं किया था क्या लेक्चर? कल का ही सुना, आज का मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए चला गया, लेकिन आई होप आई विल गेट दिस ऑन यूट्यूब सो आई विल लिसन टू इट। मैं सब सुनती हूँ, अगर उस वक्त नहीं ज्वाइन किया तो मैं बाद में सुनती हूँ। थैंक यू क्लियर करने के लिए, थैंक यू क्लियर करने के लिए, टेंशन खत्म होगी। मुझे पता है शुद्धि का जीवन जब जीते है ना, तो थोड़ा शील के भी, शील को लेके भी कैसे भ्रांति उत्पन्न होती है कि टूट तो नहीं गया, क्योंकि मेरा भी जब भिक्षु जीवन शुरू हुआ तो बड़ा टेंशन होता था शीलों को लेके, टूट तो नहीं गया। तो चलो अच्छा है कि कन्फेशन का एक होता है, अभी भिक्षु के जील शिव शील में क्या बहुत सारे शील होते हैं, कुछ शील आपत्ति से छोड़, कुछ शील सिर्फ माफी मांग के छूट जाते हैं, कुछ शील ऐसे अलग अलग इसमें होते हैं, तो टेंशन नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि इधर, हाँ और एक वो जो अष्टशील में होता है मास सयाना उचा सयाना वाला, तो उसमें क्या होता है, मैं बैठ तो पाती हूँ नीचे लेकिन मैं सो नहीं पाती हूँ नीचे, तो मैं मतलब पूरा दिन मैं नीचे बैठ के कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे रात को नीचे ऐसे सोने नहीं होता है, सीधा इसके ऊपर चटाई वटाई है और ऐसा छोटा कुछ डाल लीजिए, तो तभी मुझे सोना ही पड़ता है गधे, नहीं तो मेरी पीठ दुखने लगती है। उसे नीचे रखना वो ही, इतने पतला गद्दा तो भी मुझे यूज करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर मेरा पूरा दिन भी खराब हो जाता है पूरा। इससे ऊपर हो गया तो समझ जाइए उच्चासना महासना में आ जाता है। अच्छा अच्छा, अपने वो एल्बो से लेके इस तक, ओके इससे ऊपर हो गया तो आपका उच्चासना महासना हो ही गया। अच्छा उसके नीचे है मतलब, तो ठीक है उसके नीचे और थोड़ा पतला कुछ लेयर रहेगा तो कुशन, तो दैट इज फाइन। ओके ओके ठीक है, क्लियर हुआ, थैंक्स थैंक्स अ लॉट, साधु साधु। वंदा मी बंती जी, मंगलो जी बोला, वंदा मी बंती जी, मंगलो मंगल। बंती जी उपोषित के दिन मैं उस्मानाबाद से बात कर रहा हूँ, रघुनाथ गायकवाड़। अस्सलाम वालेकुम। तो उपोषित के दिन अपन कॉट पे लेट गए तो चलता है? काय पे काय पे? कॉट कॉट कोच कोच। हाँ कितना ऊंचा होता है, कितना ऊंचा होता है? मतलब वो ढाई फुट, ढाई तीन फुट। तो इससे ऊंचा होता है क्या? हाँ जमीन से, हाँ उससे ऊंचा होता है। ना 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 ना, आप नहीं चलेगा। और विपश्यना आराम पूरा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ज्यादा आराम पूरा नहीं होना चाहिए वो। ऊपर विपश्यना में जब बनते जी, विपश्यना में जब जाते लोग तो वही क्वार्ट रहते हैं वहां भी करके, मैं पूछ रहा हूँ विपश्यना सेंटर में क्या विपश्यना करने का सोचा, मतलब कैसा उसमें कितना हो जाता है कि वहां पे कई तरह के लोग आते हैं, उच्च सेना महासेना जो ये अपना स्किल है, तो हम जो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं तो हमको तो ऊपर चेयर पे बैठना रहता है, तो उससे फिर शील भंग हो जाता है? नहीं, if there is no choice, तो बिल्कुल भंग नहीं होता। अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है ना, अगर चॉइस होने के बाद भी आप कुछ और चूज कर रहे हैं देन देयर वो शील भंग होता है। जब चॉइस नहीं है तो ऑफकोर्स देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑफिस में ऊपर बैठना पड़ेगा वरना दूसरों को ऑकवर्ड फील होगा, आपको स्कूल में ऊपर बैठना पड़ेगा, वो बैठना ही पड़ेगा, वो वहाँ का रूल है, तो वहाँ का रूल आपको फॉलो करना चाहिए, सोशल आ जाता है। पर जब ऑप्शन है आपके पास तब नहीं कर रहे तब वो।
हो गए। भंते सम्मा संबुद्ध और अरंत में क्या फर्क होता है? क्या अरंत को जाति पे दुखा, व्याधि पे दुखा, जरा पे दुखा, मरण पे दुखा समझता है या नहीं? देखिए अरंत और सम्मा संबुद्ध में कोई फर्क होता है, पर उन दोनों का निर्वाण समान होता है। बस ज्ञान के स्तर पे, रिद्धि बल के स्तर पे फर्क होता है और पारमिता के स्तर पे फर्क होता है, बाकी दोनों के निर्वाण पूरे समान होते हैं। ठीक है, भंती जी, पवन भरने जी पहले मुझे बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका एजुकेशन क्या शुरू है? कल के प्रवचन के अभ्यास के लिए विशुद्ध मग ठीक, अरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि वो बहुत हार जाएगा, नहीं समझेगा, मुझे खुद को नहीं समझता, आप भी कई सारी बातें उसमें से विशुद्धि मग के बनते। कल आपने इद्धि के बारे में बताया, क्या सिर्फ ध्यान के द्वारा वह प्राप्त होता है और क्या उसमें शील का कोई महत्व नहीं होता है? देखिए ध्यान के द्वारा ही रिद्धि बल प्राप्त होता है, लेकिन सबसे पहले वो ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले शील शुद्धि की आवश्यकता होती है, फिर चित्त शुद्धि से उसे प्राप्त होता है। और इसके अलावा कुछ कुछ के पुण्य होते हैं जिनको पुण्य के पूर्व जन्म के पुण्य के आधार पर एक दो रिद्धि बल प्राप्त हो जाता है। शुक्रिया कमला किशोर जी। हो गया, कोई भी कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, खत्म कर दे। क्या किसी कोई प्रश्न है? वंदा में भंते जी, रश्मि बोल रही हूँ। कल आपने जो शील शुद्धि के बारे में बताया था ना, सॉरी शील विशुद्धि के बारे में आपने बोला, तो उसमें चार आते हैं, चारित्रशील, वारित्रशील, निषिद्ध शील और अनासिद्ध शील। मुझे ना थोड़ा सा ये अनासिद्ध शील के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? सॉरी, निषिद्ध शील और अनासिद्ध शील। हाँ नहीं सॉरी, निषिद्ध शील और निषिद्ध शील मतलब जो किसी चीज पे आश्रित हो, अनिषिद्ध शील मतलब जो किसी चीज पे आश्रित ना हो। जैसे कि अगर आप कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं, सुगति के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हो कि भाई हाँ मैं शील पालन कर रहा हूँ तो मैं दुर्गति नहीं होगा, मेरे स्वर्ग में उत्पत्ति होगी, है ना? ऐसे हाँ। जब किसी चीज को उद्देश्य करके जब शील पालन कर रहे हैं, किसी चीज के लिए आश्रित है, तो वो निश्चित शील माने जाते हैं, आश्रित शील माने जाते हैं। और निश्चित मतलब जो किसी पे आधारित नहीं होते है ना, बस आप पालन करने के लिए शील पालन करते हैं, आपको उससे कुछ बेनिफिट्स वगैरह नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ आपकी भावना उसके पीछे नहीं होती है। ओके थैंक यू। वंदामी भंते जी, एक प्रश्न और था भंते जी कि उच्च शयन में जैसे अगर बेडशीट का कलर अगर रंगीन है तो क्या हम लोग का शील भंग हो जाता है? साधारण व्हाइट रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भंग नहीं होता है। लेकिन कैसा होता है कि कलर जैसा रहता है, जैसे कलर्स की अपनी साइकोलॉजी होती है, आपको पता होगा ना, हर कलर हमारे माइंड में ट्रिगर करता, उस प्रकार का हार्मोन प्रोड्यूस करने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो इंसान में भूख प्रोड्यूस करते हैं, उससे और भूखा फील कराते हैं, ये कलर्स की अपनी साइकोलॉजी होती है। ठीक है, इट्स बेस्ट टू यूज व्हाइट कलर। ठीक है, और उसका रिफ्रैक्शन रेट भी काफी अच्छा होता है। सो ऐसा पर कंपलसरी नहीं कि आपने व्हाइट ही इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ भी चलता है, पर रखिएगा हर एक कलर से अपना अपना, क्योंकि आप चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है और चक्षु विज्ञान के साथ अपने चैतसिक भी होते हैं, तो जैसा रंग रहेगा उसको लेके वैसे हमारा मानसिकार भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, और सफेद रंग है तो नेत्र प्रिय भी होता है, शांति भी अनुभव कराता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सफेद ही अच्छा है, बाकी आपकी इच्छा, जरूरी नहीं कि आप सफेद इस्तेमाल करें, काला, लाल, पीला, नीला चलता है। देखिए हर रंग से भावना होती है, ठीक है ना, हर रंग पे कुछ ना कुछ भावना होती है। अब जैसे कि भिक्षु के चीवर, ये जो चीवर है उसी रंग के बनते हैं, जब पत्ती झड़ने के बाद जो जो कलर होता है वही रंग का चीवर हमें अलाउड है, तो इससे हमारी एक भावना होती है कि भाई जिस प्रकार पत्ती भी झड़ जाती है, इतनी हरी पत्ती और झड़ के गिर जाती है, उसी हमारा जीवन झड़ के गिर जाएगा, तो ऐसा होता है। अच्छा भंते जी, विकाल भोजन जैसे 12 बजे के बाद क्या हम लोग नारियल पानी पी सकते हैं या केवल फल का जूस क्या पी सकते हैं? ऐसा ये सांघिक नियम में आता है,
कि वहां का एरिया क्या डिसाइड करता है। जैसे अगर आप श्रीलंका में देखोगे तो श्रीलंका में नारियल पानी अलाउड नहीं है, श्रीलंका में नारियल पानी अलाउड नहीं है शाम को, उनके हिसाब से वो पेट भर देता है। तो ये छोटे मोटे नियमों में आता है, पर उपासक को कैसा रहता है, संसारिक जीवन में रहता है तो उन्हें नारियल पानी चल जाता है, पर ऐसी मात्रा में मतलब कि पूरा पेट ही भर जाए। अच्छा, दूध मत लीजिए, दूध मत लीजिए और काली चाय बिल्कुल मत लीजिए भूखे पेट प्लीज। काली चाय से आपको किडनी पे डेंजर हो सकता है, ठीक है? तो प्लीज शाम को चाय मत लीजिए। जो लोग रखते हो उपासक दूध वाली, तो बिल्कुल भी दूध का आहार बिल्कुल मत लीजिए उपासक के समय में शाम को, ठीक है? अच्छा, एक और प्रश्न बनते जी की, हाँ दस पूछिए। एक प्रश्न और है ये कि जो पांचवा शील है उसमें आता है प्रमाद अठाना वेरमणि, तो प्रमाद अठाना क्या हुआ? बहुत ही सुंदर पकड़ा मुझे ये, बड़ी अच्छी लगी आपके पास, बहुत अच्छी लगी। बहुत कम लोग हैं जो इस शब्द को पकड़ पाते उस शील में, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस शब्द को वहां पकड़ा। सूरा मेरे मज प्रमाद, ये प्रमाद शब्द ही सबसे प्यारा है। भगवान को एक बार पूछा गया, भगवान ऐसा कौन सा धर्म है जो हर जगह काम आता है? तो भगवान ने कहा था अप्रमाद। एक प्रमाद और एक अप्रमाद, प्रमाद मतलब आलसी, आलस समय बर्बाद करना, फालतू जो में समय वेस्ट करना, वो है प्रमाद। आलस्य फालतू समय वेस्ट करना, गप्पा सॉरी फालतू की चुगली चहाड़ी वगैरह वगैरह, मतलब फालतू चीजों में गेमिंग खेलना, टाइम पास करना, ये है प्रमाद। ओ, तो अगर कोई टाइम पास करता है तो फिर उसका शील तो भंग हो जाएगा, क्योंकि देखो शील किसके, प्रमाद किस अर्थ में भंग करता है शील, उसकी सती, जो सती संप्रजन्य है ना उसकी धीरे करके हानि होती है। अगर वो प्रमाद ही हो रहा है तो समझ जाओ आज नहीं तो कल उसे शील टूटेंगे टूटेंगे, उसमें अलगर्जीपन आएगा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बेकार प्रमाद है, प्रमाद नहीं आना चाहिए। एक बार का शील टूटा चलेगा पर प्रमाद नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनते, बहुत बहुत धन्यवाद बनते। साधु 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 साधु। ठीक है, अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका हाथ जोड़े। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममि धम्म संदिठीक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममि संघ पुय्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। ओकास वंतामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितब्बं। सामिना कतं पुण्यं मय्यं दातब्बं। साधु 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 अनुमोदामि। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमतमे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। साधु साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय। आज के धम्म देशना सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुकार। आज रात 10 बजे आनापान सत्र और लविंग काइंडनेस मेडिटेशन होगा।